अभी 2 मिनट और देख लेते हैं, और डिस्पोजल की एंट्री अलग से देखेंगे, और डिस्पोजल की दो तीन बातें हैं, और एक चीज़ इस और आपके टॉपिक में इंक्लूड है, एक्सचेंज ऑफ न्यू एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट यानी एक्सचेंज ऑफ एसेट या डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट विद एक्सचेंज, एक्सचेंज चेंज ऑफ न्यू एसेट की बातें। थियोरेटिकल पोर्शन है ये, और थियोरेटिकल पोर्शन ये अहम है। इस दफा इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन या वो आ सकता है इस टॉपिक में से। ये एक्सचेंज ऑफ ये एक छोटा सा है, ये इसमें से एमसीक्यूज पूछेगा, क्योंकि आपके मिड में भी, आपके मिड में नहीं तो नहीं, मतलब आपके पिछले क्विज में दो तीन एमसीक्यूज पूछे हुए थे और वो जो है वो किए हुए थे। अभी आ जाते हैं, 2 मिनट और देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप उतनी देर क्या करें, आप उतनी देर सिंपल क्या करें, ये अकाउंट आपके सामने को ओपन किया हुआ मैंने, आप ये अकाउंट के ऊपर नजर ये दौड़ा लें कि एक एसेट के अकाउंट में डिस्पोजल किस तरफ आती है, न्यू प्लांट किस तरफ एडिशन हो तो कैसे आती है, ओपनिंग किस तरफ आती है, और ये वो ये होते हैं देखने टी अकाउंट। आज मेरा डेफिनेशन का टॉपिक जो है ना खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने कोई और टॉपिक पढ़ना है तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग जो है। सर जी, वो नेक्स्ट भी आप करवा दीजिए अगर आपके पास में हो। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो अभी ये 10 वाला ही चैप्टर आता है, आपने जो करवाया है। अच्छा नहीं वो तो चले ठीक है। देखो मेरे पास जितना टाइम होगा, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों से कोई नेक्स्ट अगर कोई आप लोगों ने करना है तो वो बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करो। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, अब मैं आप लोग कौन सा चाह रहे हैं कि वो कर लें पहले, तो मैं करवा दूँ। सर जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा चैप्टर वो आप पहले स्टार्ट करवा दीजिए। अच्छा इसके बाद इम्पोर्टेंट है रेक्टिफिकेशन, इम्पोर्टेंट है कंट्रोल अकाउंट, इम्पोर्टेंट है, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है ही है। छोटे टॉपिक है, अन्य क्वेश्चन भी बने सर हुए हैं उसके साथ, रेक्टिफिकेशन करवा दीजिए, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी हो जाएगा। आप में से किसी ने पहले किया हुआ? तो 8 लोग हो गए हैं, तो क्या कहते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। चले अभी 8 बजे तक देखते हैं, फिर देखते हैं जो आएगा, 8 से हो गए, बाकी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कल की तरह। रिकॉर्ड कोई और डिस्कशन है इसके अलावा एमबीए में, कोई और टॉपिक है उतनी देर वो कर लें, या फिर इस चीज़ को देख लें और फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है तो फिर मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोग आ जाएँ। मुझे ग्रुप में भी कईयों ने कहा हुआ है वो आ रहे हैं, तो इस वजह से भी मैं रुका हूँ। देखिए रेक्टिफिकेशन का टॉपिक बड़ा अहम है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इजीली, वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है, यानी 5-6 एंट्रियाँ दे दे और आपको कहे कि इसको लॉन्ग में रेक्टिफाई कर दो, वो देगा भी, क्योंकि कई दफ़ा वो आया भी हुआ है, तो वो रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। और अगर कभी टाइम मिला उसके बाद, टाइम तो खैर मिल जाएगा, रेक्टिफिकेशन दो देखें इस चैप्टर के प्रैक्टिस भी करें। अगर आप मुझे कहते हो कि मैं स्लाइड तो आपको शेयर कर देता हूँ, आज मैंने जी डिस्कस करना है एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो जी आज मैंने ना पहले सबसे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर मैंने उसकी आज जो बनानी ना, आज हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट 3 है, और इसमें इंशाल्लाह हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाए, इसकी बातें अब और ना लेके जाएं, ताकि दिन भी हमारे पास कम है, तो शॉर्टर वे में मैं इसको जितना करवा पाऊंगा वो करवा देता हूँ। ये आज हमने पहले क्या करना होगा, एक क्वेश्चन पकड़ना है और उसको मैंने पहले सॉल्व करना है, यानी कि उसकी पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो भी डाटा मुझे गिवन होगा उसके जरिए से मैंने करना होगा क्या भला, मैंने करना होगा आपके 3 अकाउंट बनाने होंगे। कौन कौन से 3 अकाउंट? यही वाले जो मैंने कल आपको दिखाए थे, कि कल जो मैंने जाते जाते मैं कहने करवा दिए थे कि आपने 3 अकाउंट लास्ट में डेप्रिसिएशन में यूज करेगा। नंबर 1 एसेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, नंबर 2 अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके 2-3 नाम है मैंने लिख दिए थे ऊपर, और थर्डली मैंने क्या कहा था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट आपसे बनवाएगा। तो ये 3 अकाउंट, अभी ये 3 अकाउंट बना, पहले सबसे पहले एंट्री देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाने के बाद मैं क्या करूंगा उसको अकाउंट्स के अंदर पोस्ट भी करूंगा। तो 3, फिर मेरे जब अकाउंट्स को अंदर पोस्ट कर दूंगा, फिर हर अकाउंट को क्लोज भी करूंगा, यानी अगर एसेट का अकाउंट है तो वो क्लोज भी होगा, और इसी तरह अगर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है तो वो क्लोज भी होगा, और इसी तरह अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो क्लोज होगा। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस अकाउंट होता है, तो इनकम और एक्सपेंसेस, मेरे जिन्होंने बेसिस पढ़ी हुई थी मेरे से, तो उनको मैंने ये चीजें समझाई हुई हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट कभी भी ओपनिंग उनका नहीं होता,
कभी भी हो, याद रखो कभी भी ओपनिंग उसका बैलेंस नहीं आएगा, लेकिन उनका क्लोजिंग होगा, वो क्लोज होंगे। जब वो क्लोज होंगे तो उनके क्लोजिंग को क्लोजिंग का नाम नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जब वो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो एक्सपेंस जब भी क्लोज होगा, क्रेडिट साइड पे क्लोज होगा, एक्सपेंस जब भी जिस साइड पे ये प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है इसी साइड पे आएगा, हमेशा हमेशा इसी साइड पे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक क्लोज इस साइड पे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जो जो मैंने जो जो चीज मैंने आपको लिख दी है ना कि ये इधर आएगी तो उधर ही आएगी, आप ये इस तरीके से इनको देख लेना है। और अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने तीन बातें करनी है। सबसे पहले सॉल्व करना है, जैसे हमने डेफिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करते होते हैं नॉर्मल, और वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें एडिशन भी आ रही है। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, जिसमें एडिशन भी आ रही होगी। और जब जिसमें एडिशन आ रही होगी, पहले उसको मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर वन, फिर उसको सॉल्व करने के बाद मैं उसकी एंट्री बनाऊंगा, नंबर टू, फिर सॉल्व करने के बाद उसको टी अकाउंट जो मैंने ऊपर बनाया इसको टी अकाउंट को बनाऊंगा। तीन बातें आज हमने आज अपने पोर्शन में कवर करनी है, उसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक, जो नया उसमें कोई बात होगी तो वो देख लेते हैं। ये था ISP फ्रेमवर्क। क्वेश्चन मेरा 10.2 है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 10.1 में क्या कहता है, 10.1 में क्या है, 10.1 तो वैसे था, सॉरी, 2 के बाद 3, 3 में जब कहेगा तो 3 में देखते हैं इन्फॉर्मेशन। कल मैंने 2 कर लिया, वैसे कल क्वेश्चन हमने 10.2 जो कर लिया वो दिया हुआ, और कोई इसने दिया नहीं हुआ क्वेश्चन, और दिया नहीं हुआ तो डिस्पोजल का दे दिया उसने, सोल्ड एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल के इफेक्ट बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको, हम बाद में करेंगे। तो पहले अब क्वेश्चन कौन सा लें, क्वेश्चन में अब वही वाला ले रहा हूँ जो आप कल हमने किया है, उससे मैंने अब दो काम करने हैं। अब दोबारा मैं सॉल्व करूंगा किसी और मेथड के साथ, डेप्रिसिएशन किसी और मेथड से कैलकुलेट करूंगा। अब कल मैंने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई थी वो मैंने कैलकुलेट की थी रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन से। आज हमें ऑप्शन मिला है कि हम उसी अकाउंट को, उसी उसी क्वेश्चन को करें, लेकिन आज मैं डेप्रिसिएशन उसके लिए मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, ताकि आपका दूसरा मेथड भी आपका क्लियर हो जाए। कल की कल हमने उसका क्वेश्चन को चूंकि हम कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास कल वाला ही टॉपिक है, कल वाला ही क्वेश्चन है, कल वाला ही बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्योंकि बुक में और कोई क्वेश्चन दिया नहीं हुआ। अच्छा अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, और मैं कहता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट में चेंज कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है बिल्कुल। उसने देखो उसने कहा कि प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन शुरू करने से पहले याद रखें, आज के बाद ये आप अपने अपना जो है आदत बना लें कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि टॉपिक कौन सा है आपका, डेप्रिसिएशन का है, रेक्टिफिकेशन का है, जो भी। फिर आप उसमें से सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को किसी और तरीके से देख रहे होंगे। जब क्वेश्चन को किसी और तरीके से देख रहे होंगे और रिक्वायरमेंट में कुछ और चीज मांगी होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या करना होगा, क्वेश्चन को देखना कि यहाँ डेप्रिसिएशन का, बिल्कुल ये डेप्रिसिएशन का कम्युनिटेड आ रही है, न्यू प्लांट आ रहा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, तो फिर आप समझ जाओगे कि ये आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। नंबर दो बात, नंबर टू ये है कि भाई फिर आपने देखा रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट में अब ये आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब है अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। जब भी लफ्ज प्रोविजन आ जाए तो आपका आपके कान खड़े हो जाएं कि डेप्रिसिएशन का लफ्ज साथ लगा और प्रोविजन लिखी हुई है, तो ये अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात कर रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कहता सिर्फ दिसंबर 2009 तक, यानी 2009 दिसंबर तक का मुझे अकाउंट बना दो, तीन अकाउंट, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो, और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मैं बनाऊंगा। वो उसने गो के मुझे रिक्वायरमेंट में नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और फिर मैं आपको बेसिस दे देता हूँ भाई, फिर मैं आपको बेसिस देता हूँ। बेसिस ये है कि कैलकुलेट, उसने ये नहीं बताया कि किस अकाउंट किस मेथड से कैलकुलेट करें, सॉरी एक मिनट, उसने मुझे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मैं WDV मेथड के जैसे, कल हमने WDV मेथड वैसे कर लिया हुआ है, अगर आज भी करना है तो आज भी करा देते हैं। आप मुझे बताएं कि मैं कोई और मेथड यूज कर लूं, उसके मुताबिक डाटा पुट करूं क्या, जी सर, और कोई कैलकुलेट मैथड? डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मैं कहता हूं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ ईयर डेज मेथड। कौन सा है, सम ऑफ
ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, डिजिट मेथड। अब सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड याद रखें, उसके लिए हमें यूजफुल लाइफ चाहिए होती है, ताकि हम यूजफुल लाइफ से फ्रैक्शन बना सकें। अब मैं साथ में देता हूँ, मेथड है, और फिर मैं कहता हूँ कि यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ऑफ एसेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाएगा कि जैसे ही मैं यूजफुल लाइफ बनाऊंगा वो एक नहीं बनेगी, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, फ्रैक्शन चेंज, फिर वो आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है एक्चुअली। अगर मैं इसको यूजफुल लाऊंगा, क्योंकि एडिशन हो रही है, क्योंकि एडिशन हो रही है तो एडिशन वाली चीज़ की लाइफ कुछ और होगी, और जो पहले से कोई चीज़ पड़ी है उसकी लाइफ कुछ और होगी। जब दोनों की लाइफ कुछ और है तो मुझे फ्रैक्शन भी दो बनानी पड़ जानी है, तो जब वो दो बनानी पड़ जानी है तो मुझे वो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। मैं मेथड वही रखता हूँ, ताकि आपके जब सिलेबस में नई चीज़ है, क्वेश्चन ही नहीं गिवन, तो फिर मैं उसको करवाऊँ आपके लिए कन्फ्यूजन, मैं तो कर ही लूंगा यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू, मैं कहता हूँ WDB मैथड, मैं यही कहता हूँ WDB मैथड मैथड। और मैं यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ कि रेट नहीं देता आपको, रेट नहीं देता WDB मैथड। और मैं कहता हूँ कि बेसिस कौन सी है, टाइम प्रोपोर्शनेट, टाइम प्रोपोर्शनेट, टाइम प्रोपोर्शनेट, ताकि आपको सारी वर्किंग करनी पड़ जाए, टाइम प्रोपोर्शनेट। और मैं कह देता हूँ कि यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, मैं कहता हूँ हर एसेट की यूजफुल लाइफ एक आपके 10 इयर्स, यहाँ पे 10 इयर्स, और उसके बाद मैं ये कह देता हूँ 10 इयर्स है, और रेजिडुअल वैल्यू मैं कह देता हूँ, रेजिडुअल वैल्यू मैं कहता हूँ 2000, और वो ये भी आ गई, और कॉस्ट तो आपके पास है ही है, कॉस्ट तो आपके पास है ही है। अब याद रखे, देखिए मैंने क्या करना है, मुझे अब रेट इज नॉट गिवन, रेट मेरे पास नहीं है, अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, रेट मेरे पास है नहीं है, तो रेट को पहले फाइंड करना पड़ेगा WDB, क्योंकि सर क्यों रेट लगाना है, क्योंकि WDB मेथड के अंदर रेट लगता होता है। आप जाके जब दोबारा से कंसल्ट करेंगे उसके फॉर्मूले को, कॉस्ट वाले फॉर्मूले को, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू रेट, और मल्टीप्लाई पे मंथ यूज करेंगे, क्योंकि टाइम प्रोपोर्शन मेथड है तो मंथ यूज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। अब जब रेट गिवन नहीं है तो वही हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, वी फर्स्ट वी विल हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट वी कैलकुलेट 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 रेट, परसेंटेज रेट फाइंड करेंगे। वो कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मेरे पास, अब देखिए परचेज ऑफ न्यू एसेट 20,000 है मेरे पास, और जो प्लांट एंड मशीनरी का जो पहले ओपनिंग पड़ा है वो 25,000 है। मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ तो कॉस्ट मेरे पास दोनों की 45,000 होगी है, दोनों की मेरे पास कॉस्ट होगी 45,000। अब मैं रेट भी, अगर पहले से रेट गिवन होता तो अच्छा होता, लेकिन अब मेरे पास रेट नहीं गिवन, तो रेट जो मैं लेता हूँ ना, वो रेट मैं ले लेता हूँ 45,000। बिल्कुल ठीक है, 45,000 कॉस्ट आएगी टोटल। देखो क्योंकि न्यू प्लांट लिया, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, तो यहाँ पे है कि 25,000 प्लस 20,000, ये आपकी आगे 45,000, और ये आपकी कॉस्ट हुई, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है। अब जब मुझे पता चल गया कि मेरे पास 45,000 कॉस्ट है, तो रेट को, अब रेजिडुअल वैल्यू वहीं पे मुझे उसने दी है, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू मुझे उसने दी है कितनी, 2000 है। मैं कहता हूँ 2000 मेरा रहेगा एंड में, तो ये अब मैं रेट फाइंड करने जा रहा हूँ। रेट फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला था, मैं ऊपर जाता हूँ, कहीं पे हमने लिखा होगा फार्मूला, तो वो फार्मूला जो है मैं वहीं पे जाके कोट करता हूँ, वहाँ पे ऊपर है कहीं पे, हमने कैलकुलेशन की थी एक दिन, ये था जब रेट नहीं गिवन होता तो मैं ये दोनों उठा लेता हूँ। ये वाला हम मेथड यूज कर, ये वाला कर रहे हैं, ये वाला अब जब रेट गिवन ना हो, और ये तो फिर वही आ गया, तो ये मैं फार्मूला यूज करूंगा, और फार्मूला जब मैं ये यूज करूंगा, ये वाला देखें, रेट फाइंड करने के लिए फार्मूला ये होता है, रेट फाइंड करने के लिए भाई बड़ा सारा मैं कर देता हूँ, फार्मूला ये होता है। अब चूंकि मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ तो एक्सेल के मुताबिक फार्मूला पुट करना है मैंने, तो एक्सेल के मुताबिक यही फार्मूला कैसे बनेगा वो मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वो मैंने कल लिखा हुआ था, कल जब हमने किया था क्वेश्चन, तो वो ये होता है, तो एज इट इज होता है, ठीक है।
अब सर ये कैसे बना, ये मैं वैल्यू आई है जबकि मैंने इसको कन्वर्ट करना है, मैंने इसको करना है कन्वर्ट। अब सबसे पहले वन लिखा हुआ है, वन तो लिखा है इस फॉर्मूले के अंदर, रेट के अंदर भी वन लिखा है, बिल्कुल लिखा है। हाँ ये 6000 डिवाइड बाय 30000 कैसे था, रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरी रेजिडुअल वैल्यू 2000 है, 2000 है, और कॉस्ट मैंने मैंने कैलकुलेट कर ली, टोटल कॉस्ट कितनी, 45000 है, 45000 आ गई। अच्छा अब नंबर ऑफ लाइफ क्या थी, लाइफ गिवन है मैंने 10 ईयर की हुई है, लाइफ में 10 ईयर की हुई है, इसको मैं बल्कि लाइफ को 8 ईयर कर लेते हैं, 8 ईयर के हमारी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए, तो इसको मैंने यूजफुल लाइफ को 8 कर लेता हूँ, खुद से 8 ईयर्स कर ली। अब मैंने ये फॉर्मूला वही बनाया जो इस फॉर्म, ये जो आपका यहाँ पे बना हुआ है कैलकुलेटर पे, आप इस तरह से कर सकते हो। एक्सेल पे मैंने कैसे वर्कआउट किया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका मैं आंसर देख लेता हूँ और परसेंटेज में वो आंसर आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई कितना है, तो मैं ये देखेंगे, वो आंसर ये बना, वो ये आंसर बना, और ये ऑलमोस्ट हमारा क्या बन गया, 32%। कितना बन गया जी, 32%। और अगर यही अब क्वेश्चन होता तो ये अगर मैं 10 लगाता यहाँ पे तो कितना आता, 27% के अराउंड अबाउट होता है, तो 27% नहीं, अभी मैं कहता हूँ ये 32% ही है। ठीक है भाई, हमें रेट मिल गया, रेट मिल गया भाई, जब जी सर, रेट में जी सर। हमें रेट मिल गया ना, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बड़ा किया कि जो हमारे पीछे काम कर रहे हैं वो भी आज आपका रिवाइज हो जाए। WDV मेथड तो था लेकिन आपको रेट भी मैंने दोबारा कैलकुलेट करना सिखा दिया कि रेट कैसे फाइंड करेंगे, रेट फाइंड हो गया। नंबर टू बात, अब हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन, अब मैंने क्या करनी है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2009। मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली 2009 के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, मुझे पूरे सालों की डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। वो कहता है सिर्फ 2009 की मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, जब सिर्फ मुझे 2009 की डेप्रिसिएशन चाहिए तो सबसे पहले देखो ओपनिंग के ऊपर अलग से बनेंगे कैलकुलेशन, ओपनिंग जो ओपनिंग पड़े हुए हैं, ओपनिंग एसेट जो पड़े हुए हैं उसके ऊपर अलग कैलकुलेशन होगी, और जो एडिशन हो रही है, जो आपकी एडिशन हुई है, न्यू न्यू एडिशन जो हुई है ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर जो हुई है उसके ऊपर अलग कैलकुलेशन होगी, फॉर्मूला भी अलग होगी। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर वो अलग हो गया, ओपनिंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ओपनिंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर, और इस साल के दौरान जो मेरी ओपनिंग एसेट है वो मैं कहता हूँ जनवरी 1, ये जनवरी 1 था, और ऊपर क्योंकि 2009 लिखा है जनवरी 1 में ओपनिंग दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा जनवरी जुलाई है, जो न्यू एसेट आ रहा है वो मेरा जुलाई में आ रहा है, जुलाई 01, तो वो जुलाई 01 मैंने लिख दिया। अच्छा मुझे बताएं, अब मैंने जब रेट तो फाइंड कर लिया, मुझे WDV का फॉर्मूला बताया कोई आप में से, WDV का कोई फॉर्मूला बताया भाई मुझे आप में से, कॉस्ट जी जी बताते जाएं, जी बताते जाएं, फॉर्मूला कोई आप में से बताए भाई, कॉस्ट माइनस कॉस्ट डेप्रिसिएशन जी, कॉस्ट मल्टीप्लाई माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज, फिर क्या करना, मल्टीप्लाई 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 बाय मंथली यूज मंथ यूज मंथ यूज ओवर ओवर टोटल टोटल मंथ, ठीक है, ये आ गया, ये मेरा मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया और ये मैंने लिखा। अब ये मैंने फॉर्मूला यूज करना है, अब ध्यान से सोचनी एक बात, आप अपने ध्यान से एक बात सोचनी है कि जब आपने ओपनिंग एसेट किए तो कॉस्ट कितनी थी, ओपनिंग एसेट की कॉस्ट कितनी है, 5000 ओपनिंग एसेट की कॉस्ट 25000 है। 25 देखो मुझे ओपनिंग एसेट की कॉस्ट कितनी की बना है, 25000। मैं दोबारा बयान कर देता हूँ, ओपनिंग एसेट मैंने क्वेश्चन देखा कि ओपनिंग एसेट का बैलेंस कितना दिया हुआ था, कॉस्ट वो 25000 थी, अकमुलेटेड जब ओपनिंग में अकमुलेट कितनी थी, तब जनवरी 1 में अकमुलेट कितनी है, जनवरी 1 में ओपनिंग अकमुलेट 10000 आ जाएगा, 10000 आ गया। रेट मैंने फाइंड कर लिया था, रेट कितना था, 32% कितना था, 32%, 32%। और वहीं पे ये वहीं पे मैं कर लेता हूँ कि मंथ यूज्ड, भाई ये वाली चीज तो 12 बाय 12 मंथ यूज, यानी ओपनिंग बैलेंस तो मेरा सारा साल पड़ा होगा, ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 से लेके दिसंबर 19 तक, दिसंबर 31, 2019 तक सारा का साल चला होगा, तो ये एज इट इज 12 बाय 12 आ गया। ठीक है, अब यस इसका सर, मैं आंसर कैलकुलेट कर देता हूँ, चलिए म्यूट कर लें। अच्छा अब ये आ गया आंसर कितना है, 4800 मेरा आ गया बैलेंस। अच्छा ये मेरा एक ये आ गया ओपनिंग का, ओपनिंग की डेप्रिसिएशन तो निकल आए भाई, डेप्रिसिएशन तो अकेली ओपनिंग की कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि जितने भी ड्यूरिंग द ईयर आपके पास एसेट होते हैं, चाहे न्यू एडिशन है चाहे जो भी है,
आपने सब पे कैलकुलेट करनी होती है। जब सब पे कैलकुलेट करनी है तो अब मुझे एडिशन की तरफ जाना है। अब एडिशन की तरफ जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ना, तो एडिशन का कितनी कॉस्ट, नया प्लांट कितने का है, कॉस्ट कितनी है एडिशन की, 20,000 20,000 कितनी है, 20,000 और मुझे बताएं तब उसकी अकोमोडेटेड होगी नहीं। एडिशन के वक्त कोई अकोमोडेट नहीं होती, एडिशन के वक्त कोई अकोमोडेटेड नहीं होती, आपने -0 करना होता है, क्योंकि उसके उसकी तो कोई अकोमोडेटेड नहीं थी, ओपनिंग की तो अकोमोडेटेड ओपनिंग पड़ी हुई थी, लेकिन न्यू प्लांट की तो कोई डेप्रेशन अकोमोडेट डेप्रेशन नहीं थी। अच्छा 32% रेट इसका भी, और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई पे। अब देखो डेट कब ली थी, जुलाई 1 में, कब लिया था, जुलाई 1 में, जुलाई जुलाई आपने बन जुलाई 1 में देखे। अब मैंने क्या करना है, एडिशन के वक्त मैंने देखा कॉस्ट तो मेरी एडिशन, न्यू एडिशन मेरी हुई है 20,000 की, और उसमें मेरा एसेट उसकी कम्युलेटेड उस एडिशन की तो कुछ भी नहीं थी, उस एडिशन पे कोई कम्युलेटेड पहले से नहीं थी, वो 0 रेट लगा दिया। अब मुझे बताएं जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बने, 7, कितने बने, 7, और 7 मंथ यूज, 7 टोटल मंथ साल में होते हैं 12, तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना, तो ये इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा आपका जो, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आंसर कितना आया इसका, ये क्या हुआ, इतना आया 37,100 रुपीज के करीब। तो आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसका राउंड ऑफ का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, एक्सेल है तो भाई एक्सेल तो फायदा उठाते हैं, राउंड ऑफ ये क्या कर लेगा, फिगर को पॉइंट से हटा देगा, फिगर को पॉइंट, और ये आ गया 37,33। तो मेरे पास जो आंसर आया, इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई, इस पूरे साल के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी हुई, 85 53 85 33। 33 तो ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर, ये है टोटल डेप्रिसिएशन फॉर, टोटल ना लिखे अब डेप्रिसिएशन फॉर करें, टोटल से फिर आप अकोमोडेट की तरफ सोचने बैठ जाओगे, ये अकोमोडेट नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर फॉर ओनली 2009, ये अकोमोडेटेड नहीं है, ये सिर्फ 2009 की जो डेप्रिसिएशन बनती वो आई है। अब देखें, अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी, कर ली। अब मैंने आपको कराना है न्यू टॉपिक, एंट्री स्टार्ट करना, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं कि भाई अब मैंने एंट्री करनी है, एंट्रीज मुझे किस चीज की करनी पड़ेगी, एंट्रीज मुझे देखो, एंट्रीज फॉर रेलिवेंट फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक, एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टॉपिक बल्कि एंट्रीज लिखते हैं अकेला, जो भी इसमें होंगी मैं मत करता। देखो सबसे पहले एक बात याद रखो, एंट्री के वक्त आपने देखना है कि किस किस की एंट्री बनती है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री बनेगी क्या, ओपनिंग बैलेंस की हम एंट्री करते हैं, नहीं करते, याद रखो कि ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं, वो ऑलरेडी आपके टी अकाउंट पे पहले से चीज जा चुकी होगी, ओपनिंग अकमुलेटेड की भी एंट्री कुछ नहीं होगी, याद रखें आज के बाद आपने याद रखना कि ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई भी एंट्री नहीं होती, वो आपने एग्जैक्ट अमाउंट वहीं पे टी अकाउंट में लिख देनी होती जहां आनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात है, ड्यूरिंग द ईयर ये जो परचेज किया न्यू प्लांट, इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी। अब मैं नंबर 1 एंट्री कर रहा हूँ जुलाई 1 की, कब, जुलाई 1, जुलाई जुलाई 1 2009 की एंट्री कर रहा हूँ। जब मैं जुलाई 1 2009 की एंट्री करूंगा वो ऐसे कैसी होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जुलाई 1 सबसे पहले, सर डेप्रिसिएशन की डायरेक्ट एंट्री कर दो, नहीं मैंने डेट को फॉलो करना है, जुलाई पहले आता है या डेप्रिसिएशन, देखें ये जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो तब डेट क्या थी, दिसंबर 31, तब डेट क्या थी, दिसंबर 31, ये दिसंबर 31 पे डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे कैलकुलेट होती है, याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो साल के एंड पे कैलकुलेट होती है। तो ये डेप्रिसिएशन के डेट पहले है या परचेज की डेट पहले है, परचेज की डेट तो पहले परचेज की डेट की एंट्री करते हैं, परचेज ऑफ न्यू एसेट, परचेज ऑफ न्यू एसेट की एंट्री करते हैं हम, परचेज जब एक नया एसेट खरीदते हैं, परचेज ऑफ न्यू प्लांट है तो प्लांट हम ले लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, जब परचेज ऑफ प्लांट है तो पहले इसकी एंट्री करेंगे। तो जब इसकी एंट्री कैसे करूंगा, इसकी एंट्री सिंपल, इसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखें परचेज ऑफ न्यू प्लांट की एंट्री कैसे होगी, देखो याद रखो जब भी आप कभी परचेज करते हो तो आपका क्या होता है, एसेट डेबिट होता है, क्या होता है, एसेट डेबिट 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 होता है। तो यहाँ पे हो गया, प्लांट है तो आप प्लांट अकाउंट कर दो, प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने वहां पे जाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट हो जाएगा, और वो कितने कितने से होगा, 20,000 से, कितने से, 20,000 से। 20,000 और वहीं पे आपका कौन सा, कैश या बैंक, भाई पता नहीं किस तरह से पेमेंट की, जब नहीं बताया हो कि प्लांट किस तरह से खरीदा, तो आप हमेशा कैश लिखो, क्या लिखो, कैश कैश लिखो, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट
तो पहली पहली एंट्री हमने क्या सीखी कि जो एडिशन की एंट्री करो, पहले सबसे पहले करो कि जो आपने नया एडिशन लिया उसकी एंट्री करो। डेप्रिसिएशन की एंट्री बाद में देखेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी कैसे वो बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले क्योंकि हमने डेट को फॉलो करना है, अकाउंटिंग के अंदर डेट बड़ी फॉलो होती है भैया, आपने अकाउंटिंग के मुताबिक डेट को पहले फॉलो करना है। जो वाकया जिस डेट पे पहले हो आपने पहले वाली डेट का वाकया लिखना होता है। अब पहले मैंने खरीदी थी चीज, कॉस्ट पे कोई चीज खरीदी थी, पहले उसकी एंट्री, फिर मैंने कैलकुलेशन की हुई है डेप्रिसिएशन की, तो उसकी एंट्री मैं बाद में करूंगा। अच्छा वो एंट्री क्या होगी बाद में। तो हमने आज इतनी ही चीज सीख ली कि जब भी परचेज ऑफ न्यू प्लांट करते हैं एंट्री क्या होगी, जो भी प्लांट खरीदे एसेट जो भी खरीदे एसेट अकाउंट डेबिट, जो रेलिवेंट एसेट अकाउंट का नाम है कार है तो कार अकाउंट, वैन है तो वैन अकाउंट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट, तो वो डेबिट और कैश या बैंक। अगर पैसे बताए हैं कि मैंने किस जरिए से पैसे दिए हैं तो आपने वो जरिया लिखना होगा, अगर नहीं बताया तो सिंपल कैश क्रेडिट कर दो। सही है, तो पहली एंट्री तो आपकी ये हो गई है भाई, जनवरी जुलाई 2009 में आपकी एंट्री सबसे पहले ये हो गई है। अब आते हैं दूसरी एंट्री। अब उसके दरमियान में जुलाई से लेके दिसंबर तक कोई और वाकया हुआ? अब देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जुलाई 1 से लेके दिसंबर 31 तक कोई और वाकया हुआ? नहीं। कोई और प्लांट आया? नहीं। कोई चीज सेल हुई? नहीं। बल्कि सिर्फ हमारी क्या हुई है एंड पे दिसंबर 31 में हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। दिसंबर 31 पे क्या हुई हमारी, डेपोजिशन पेंट इसका इसकी डेट में मैं लिख देता हूँ, इसकी डेट बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज। अब आपने क्या किया दिसंबर 31 पे, ये डेफिसिएशन फॉर द ईयर था, ये डेफिसिएशन फॉर द ईयर है, तो आपने ये कैलकुलेट कर ली और इसको मैं तो डेफिसिएशन और इसकी डेट मैंने लिख दी, ये मेरी है डेट, डेट मैंने 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को एंड साल के एंड पे करते हैं कैलकुलेट हमेशा, याद रखे डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे कैलकुलेट होती है, तो मैंने डेट लगा दी। डेट लगाना बहुत जरूरी है भाई, डेट लगे तो एसेट अकाउंट जो जो अकाउंट टी अकाउंट में जब जी जाती है तो अपनी डेट के हिसाब से जाया करेगी। अब सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो परचेज ऑफ प्लांट की तो एंट्री मैंने कर ली न्यू प्लांट की, अब मैं करने जा रहा हूँ एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखें एंट्री जब भी डेफिसिट की एंट्री कैसे बनेगी वो ऐसी बनेगी, इसको आप रटना चाहें तो रट लें, जहन में जहन नशीन करना तो जहन नशीन कर लें। देखो डेफिसिट एक्चुअली हमने आज से पहले क्या पढ़ा था कि ये खर्चा ही होता है कि भाई आपकी चीज कम हो गई, चीज की वैल्यू कम होगी, जब एक चीज की वैल्यू कम होती है तो हमने उसको खत्म करना है, तो एज एक्सपेंस ट्रीट करो, तो एक्सपेंस ट्रीट होगा, तो इसको हम अब जब एंट्री में लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारा अकाउंट बना करेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कितने से हुआ, कितनी आई डेप्रिसिएशन, 85,33 8533 हुई आ गई, ये आपने डेबिट कर दी सर। फिर क्रेडिट क्या करेंगे, हमेशा याद रखें जब मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया तो पैसे नहीं गए मेरे, पैसे नहीं गए इसके जरिए, देखो पैसे तो मैंने जब चीज पहले से ली थी उसी वक्त चले गए थे, अब मेरी चीज की वैल्यू कम हो रही है, बदले में पैसे और नहीं दे रहा मैं सिर्फ अपनी किताबों को सही रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन पास कर रहा हूँ, मैं पैसे को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। तो जब पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, ना कैश हुआ इस्तेमाल, ना बैंक हुआ, ना आपका पेबल हुआ कि मैंने देने हैं वो भी नहीं है, तो जब ये नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं अकमुलेटेड में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, अकमुलेटेड। अकाउंट तो दूसरा जो हमारा हिट होता है अकाउंट वो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हिट होता है, वो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है क्रेडिट। क्रेडिट और अब ये बाय रूल है कि भाई कि जो एक चीज डेबिट हो जाए तो बदले में दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट, क्या होती है क्रेडिट होती है। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, खर्चा जब मेरा इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट, खर्चा जब मेरा इंक्रीज होता है तो डेबिट कर दिया मैंने, तो बदले में मुझे अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। तो आज के बाद डेप्रिसिएशन की आपको मैंने एंट्री बता दी कि एंट्री जब डेप्रिसिएशन की करनी है तो ये करें और इसके मुताबिक ही हम अकाउंट में लेके जाएंगे, याद रखें इसी चीज के अकाउंट में ले जाएंगे। अच्छा और किसी चीज की एंट्री करनी है? नहीं, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं करनी, ना कमोडिटी की ना बैंक की, हाँ इसको डायरेक्ट हमने अकाउंट में लिखना होगा, डायरेक्ट में इसकी एंट्री कोई नहीं करनी, इसको टी अकाउंट में अगर ओपनिंग आ रहा है जिसका जो ओपनिंग आ रहा है वहां जाके लिख देना है। न्यू प्लांट की एंट्री मैंने कर दी, डेप्रिसिएशन की मैंने एंट्री कर दी, एंट्री पूरे साल में यही इवेंट थे, जनवरी 1 का इवेंट था ओपनिंग वाला, जुलाई 1 का न्यू एडिशन वाला, जो दिसंबर 31 वाला था कौन सा एंड ऑफ द ईयर वाला, बस इसके दिसंबर 31 के बाद मेरा नया साल शुरू हो जाएगा। अगर कोई बात आएगी भी तो नए साल में जाके एंट्री होगी, तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि मुझे दिसंबर तक चाहिए चीज, तो दिसंबर तक की यही तीन बातें थी, ओपनिंग की चीजें, एडिशन की चीजें और डेप्रिसिएशन। ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं बनती, एंट्री ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं बनती, हाँ एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू प्लांट उसकी एंट्री होती है और डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करते हैं, वो दोनों कर दी मैंने।
अब मैं किस एक्सक्यूज चीज की मी तरफ सर, जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ जी, इंट्रीज हैंडआउट्स में तो नहीं देगी, लेकिन हमने करनी होगी। ये देखिए हैंडआउट्स में क्यों नहीं दी हुई है, देखिए एंट्री हैंडआउट्स में क्यों नहीं दी हुई है, ये इधर ऊपर नीचे हैं, ये देखें ये दी नहीं हुई, ये देखो भाई क्या कह रहा है, ठीक ठीक क्या कोई चीज ली है, देखा कहता है कोई कॉस्ट चीज ली है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट अपॉन पेमेंट, कहता है कोई अगर कोई चीज लिया तो उसकी एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट, कैश है बैंक या क्रेडिट, क्रेडिट सही है, ठीक है और सर। डेप्रिसिएशन है प्रोविजन, जब अगर डेप्रिसिएशन उस साल किया गया तो डेप्रिसिएशन कैसे कहते हैं, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर अगर डेप्रिसिएशन आदि कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड का दूसरा नाम क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकोमोडेटेड का दूसरा नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये आप आपको एंट्रीज गिवन है, तो एंट्रीज बुक में हैं और ये एंट्रीज आती हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब याद रखें कि एंट्री ओपनिंग बैलेंस की कोई नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं की ओपनिंग अकाउंट की कोई एंट्री नहीं की, परचेज ऑफ न्यू एसेट लिया तो परचेज ऑफ न्यू एसेट की पहले एंट्री आएगी, फिर उसके बाद जो मैंने कैलकुलेशन की डेप्रिसिएशन की तो डेप्रिसिएशन की भी एंट्री आनी है, डेप्रिसिएशन की कौन सी एंट्री आनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अकोमोडेट के दो तीन नाम है, अभी अकोमोडेट के दो तीन नाम है, आप परेशान हो जाओगे हमें तो पता ही नहीं था, तो अकोमोडेट के कौन से नाम होंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, और प्रोविजन और इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, और इसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, अगर कोई है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये अगर कोई ऐसा लफ्ज यूज करते तो परेशानी हो जाना, आपको पता होना चाहिए कि किसको वो हाईलाइट कर रहे इस बात में। अच्छा अब मेरा क्या काम है, देखो अकाउंटिंग के अंदर क्या काम होता है, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम होता है वर्किंग कर लो, अगर कोई कैलकुलेशन करनी है कर ली मैंने, मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी थी कर ली मैंने, मेरा काम था पहला काम करना कि कैलकुलेशन तो करूँ कि अमाउंट लिखनी कितनी है, मैंने मेरा इवेंट के अंदर अमाउंट लिखनी की तो वो कैलकुलेशन कर ली। दूसरा काम क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, एंट्री बनाया करते हैं, एंट्री मैंने बना ली, दो एंट्रियां मेरी थी मैंने बना ली, तीसरा अब मेरा काम क्या है, स्टेज नंबर थ्री अकाउंटिंग के साइकिल के अंदर तीसरा काम मेरा ये होता है कि मैं टी अकाउंट बनाऊं, जो रेलिवेंट टी अकाउंट है वो टी अकाउंट बनाऊं। अब मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, इन दोनों एंट्रियों में कौन कौन से अकाउंट नजर आ रहे हैं, एक तो प्लांट एंड मशीनरी, एक कैश, एक डेप्रिसिएशन और एक अकोमोडेट डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है, कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं भाई, चार। अब मैं टॉपिक यूज कर रहा हूं डेप्रिसिएशन का, कैश अकाउंट बनना तो चाहिए लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, यहां पर नहीं बनाऊंगा, ये नहीं कि मैं बनाऊंगा ही नहीं, अब हम अपनी किताबों में बनाते ही नहीं, बनाते हैं लेकिन कैश अकाउंट मुझे इस टॉपिक में दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो इस टॉपिक से रेलिवेंट अकाउंट है, मैंने कल कितने हाईलाइट किए थे, तीन, कितने हाईलाइट किए थे, तीन, तीन तो मैं वही बनाऊंगा, मैं वही बनाऊंगा। अब मैं वो जाता हूँ, देखो भाई मैं यही उठाता हूँ आपके सामने, यही यही आपके नीचे यहाँ पे आके फॉर्मेट लिख देता हूँ, और इसी को हम फॉर्मेट को यहाँ पे यूज करते हैं आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे कर ले, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चल ठीक ठीक है, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखा, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँ, अब मिक्स तो नहीं हो जाएगा आपके पास शीट, ये मैं जब आपको स्लाइड शेयर करूँगा तो मैं अलग अलग कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये ज्यादा स्क्रीन छोटी तो नहीं होगी, नजर आ रही, जी सर, आ रही है बाकी जो है सर, आ रही है। चले, अगर आ रही तो बेहतर है, चले। अब मैंने तीन अकाउंट बना लिए, सबसे मेरा पहला काम क्या होता था किसी भी टॉपिक के अंदर, एक मिनट ना नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ ताकि आपको साइड पे पड़ा रहे, यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चले यहाँ पे नीचे। अच्छा सबसे पहले क्या था टॉपिक के अंदर, मैंने स्टेप नंबर वन में वर्किंग कर ली, ये वर्किंग नहीं, स्टेप नंबर वन में किसी भी डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर स्टेप नंबर वन आपने वर्किंग करा करनी है, वर्किंग कर ली मैंने, कैलकुलेट करने का कर ली। दूसरा स्टेप हमारे से मेरा क्या होगा, दूसरा स्टेप मेरा होगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन के अंदर मैंने वर्किंग करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी डेप्रिसिएशन की, जो उसने मेथड मुझे कहा उस मेथड के जरिए से मैंने कैलकुलेशन कर दी, करने के बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने दूसरा स्टेप कहा था स्टेप नंबर टू में एंट्री पास करनी है आपने, स्टेप नंबर टू में याद रखे एंट्री पास क्या करते हैं, एंट्री पास करने के बाद स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या बनाने, टी अकाउंट, क्या बनाने हैं भाई, अकाउंट टी अकाउंट तीन बनाते होते हैं, तीन मैंने बना दिया आपके सामने, टी अकाउंट पड़े हुए हैं जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें,
अब याद रखें, अब यहाँ पे टी अकाउंट एसेट का नाम गिवन है, एसेट का नाम क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, जो यहाँ पे उसने नाम दिया हुआ है वो है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी दे दूंगा। यहाँ पे जो एसेट अकाउंट है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, अकाउंट बना दूंगा। नंबर एक ये बनाऊंगा, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मैं बना नाम देता हूँ प्रवीण, क्योंकि उसने नाम यूज किया प्रवीण वाला, तो मैं भी प्रवीण का यूज कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, आप अकोमोडेट लिख दो। तो आप प्रवीण फॉर क्या कर लेते हो, डेप्रिसिएशन, प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ये लिख लेते हो, इस नाम का बना दोगे डेप्रिसिएशन, इसका अकाउंट बना दोगे। तीसरा जो बनाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से ये अकाउंट बनाओगे, तो ये मैं बना देता हूँ, ये हो गया। अच्छा देखिए, अब मैं नाम ही चेंज कर रहा हूँ, मुझे और कुछ भी चेंज नहीं करना, मैंने सिंपल यहाँ पे नाम ही अकाउंट के चेंज करना है। इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी, इन्फॉर्मेशन वैसे की वैसी, ये आएगा नहीं तो मुझे यहाँ पे पुट कर, अच्छा एक मिनट, मर्ज हुआ मैं सेल, इसकी वैसी इन्फॉर्मेशन पास नहीं होगी, इधर आ गया प्लांट एंड मशीनरी, और इसका नाम क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इस अकाउंट का नाम था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तो था। अच्छा इसको मैं खत्म कर देता हूँ, फिर मैंने टी अकाउंट बना लिए, डेबिट मैंने क्रेडिट कर लिया, और जो जो चीज लिखनी थी वो मैंने अपने पास हाईलाइट कर ली, यानी मुझे रटी हुई थी तो मैंने पहले टी अकाउंट ऐसे बना के रखे हुए। अच्छा अब मैंने क्या करना है मुझे बताएं, कि प्लांट एंड मशीनरी का शुरू करते हैं बात, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, जी सर, ट्वेंटी जी दिया, कितना दिया, 25,000 दिया हुआ, ये फाइव नोट कर ले, और अकमुलेटेड का भी ओपनिंग दिया हुआ। तो पहले सबसे पहले जब भी आप टी अकाउंट बनाओ तो ओपनिंग को लिखो, ओपनिंग को लिखो, मैं पहले ओपनिंग लिख देता हूँ दोनों अकाउंट्स के अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी में उसने क्या दिया, 25,000, और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर 10,000 रुपये, और डेट भी लिखो साथ, डेट बड़ी बड़ी जरूरी है। आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे पहले डेट लिखोगे, जनवरी 1, वही वाली बात है कि जनवरी 1, जनवरी 1, और लिख दोगे 2009, ओपनिंग कितनी गिवन है, 25,000, कितनी गिवन है, 25,000। 25,000 अच्छा और यहाँ पे आते हैं आगे, ओपनिंग गिवन थी कर दी मैंने। अच्छा फिर मैं कहता हूँ कि मुझे ओपनिंग एक दूसरे अकाउंट की भी गिवन थी, वो किसकी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकमोलेट डेप्रिसिएशन की, तो अकमोलेट डेप्रिसिएशन की ओपनिंग कितनी आएगी, उसने मुझे दिया 10,000, कितनी है, 10,000 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने लिखा करना है ओपनिंग का मसला हल किया करना है, इन्फॉर्मेशन को टी अकाउंट के अंदर ओपनिंग में ले गया मैं, बिल्कुल ले गया। अब कोई और ओपनिंग दी है, नहीं दी, कोई और ओपनिंग दी है, नहीं दी हुई। अब मैं क्या करूंगा, जो बकाया मेरे पास चीजें हैं, एंट्री जो की है, देखो ओपनिंग दो अकाउंट की दी थी मैंने, दोनों की पोस्ट कर दी हुई है। देखो मेरी प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग कहाँ था, डेबिट साइड पे, मैंने कल आपको हाईलाइट किया आया हुआ था, डेबिट साइड पे मैंने लिख दी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि अकमुलेट डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर मैंने ओपनिंग मैंने किधर लिख जाना था, क्रेडिट साइड पे, किधर लिखना था, क्रेडिट साइड पे मैंने लिख दिया, और मैंने लिख दिया, और अच्छा ठीक है कर दिया, मैंने काम ये कर दिया। अब मैंने करना है एंट्री को फॉलो, मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि जब मैं न्यू जब मैंने यहाँ पे एंट्री जो बनाई है, कौन सी एंट्री बनाई है, न्यू प्लांट जब लिया वो एंट्री बनाई हुई है, और एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन बनाई हुई है। चलो बताओ मुझे एंट्री फॉर न्यू प्लांट में बताओ क्या क्या आ रहा है, कौन सी चीज डेबिट हो रही है, पहले 20,000 नहीं नाम क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्लांट प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है, ठीक है मैं डेबिट कर दूंगा, मैंने कर दिया, कितना कितने से, 20,000 से डेबिट कर दिया, ये एडिशन, ये जो न्यू एडिशन थी, ये जो न्यू एडिशन थी मेरी, मैंने कर दी, मैंने करना था यही कर लिया। लेकिन एक चीज आई यहाँ पे, यहाँ पे पर्टिकुलर में मैंने नाम एडिशन या न्यू प्लांट नहीं लिखना आपने, बल्कि दूसरा अकाउंट जो हिट हो रहा था वो लिखना है, दूसरा अकाउंट कौन सा हिट हो रहा था, कैश, क्या लिखना कैश था, अकाउंट कैश क्यों, सर एक कैश बात यार, सर मैं कैश अकाउंट का क्या काम है प्लांट एंड मशीनरी में, कैश अकाउंट तो यहाँ है ही नहीं, ये कैश अकाउंट थोड़ी है, तो प्लांट एंड मशीनरी है, तो कैश को आप बच्चे समझेंगे कि मैं कैश को डेबिट कर रहा हूँ, भाई मैं कैश को डेबिट नहीं कर रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को करने के लिए मैं पर्टिकुलर में ऑपोजिट नाम लिखता हूँ अकाउंट का, कि कल को कोई मुझसे अगर मेरा ऑनर या मेरा ऑडिटर आके मुझसे कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हुई है तो क्यों हुई है, मैं कहूंगा कैश के जरिए से कोई नई चीज आई थी, मैं क्या कह दूंगा, कैश कैश के अकाउंट जरिए नहीं वेरीफाई, यानी अगर चलो मुझसे कहता है, मुझे कहता है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ 20,000 से, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट कहाँ गया होगा, मैं पर्टिकुलर को फॉरन से रीडू करूंगा, तो मैं कहूंगा कैश अकाउंट में क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट
क्रेडिट क्या हुआ होगा, कैश कैश अकाउंट, अकाउंट। एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं ये बड़ा अहम बात है, याद रखें एंट्री को, क्योंकि बेसिक आपने, मैं क्लास बेसिक ही नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताते रस्ते में बता के जा रहा हूँ कि एंट्री को पोस्ट आपने किस तरह से करना होता है, कि जो अकाउंट, जिस अकाउंट में अमाउंट लिखनी है डेबिट में, मैंने डेबिट ही किया है, लेकिन पर्टिकुलर में आपने उस एंट्री का दूसरा नाम लिखना होता है, यानी इस एंट्री में डेबिट साइड पे जो अकाउंट पड़ा था वो नाम पर्टिकुलर में नहीं लिखना, अमाउंट तो डेबिट करनी थी कर दी, लेकिन नाम आपने ऑपोजिट अकाउंट का लिखना होता है। नाम ऑपोजिट अकाउंट का इसलिए लिखना होता है फॉर ट्रेसिंग पर्पज, फॉर ट्रेसिंग पर्सन। कि आपसे कल कोई ये क्वेश्चन कर ले कि प्लांट एंड मशीनरी क्यों डेबिट हुआ, मैंने कहा भाई कैश के जरिए से पेमेंट हुई थी न्यू एडिशन के लिए, या कल को कोई आपसे दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ है 20,000 से, तो उस वक्त एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा था, तो मैं कहूंगा पर्टिकुलर पढ़ के फॉर्म क्या कहूंगा, कैश अकाउंट, क्या कहूंगा, कैश अकाउंट, यानी मुझे दोबारा से अपने दोबारा से वर्किंग और वो नहीं उसके कागज नहीं ढूंढने पड़ेंगे, मैं फौरन से पर्टिकुलर में रीड आउट करूंगा टी अकाउंट के, भाई कैश अकाउंट मेरा होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी मेरा डेबिट हो रहा है, तो मेरा क्रेडिट क्या हो रहा होगा, कैश अकाउंट, क्या हो रहा होगा, ट्रैक कैश अकाउंट। कैश ऑपोजिट अकाउंट, नाम क्यों लिखते हैं, ऑपोजिट नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि न्यू बच्चे भी हैं तो ऑपोजिट नाम इसलिए लिखते हैं फॉर ट्रेसिंग पर्पज। ऑपोजिट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, भाई डेबिट तो आप प्लांट एंड मशीनरी को कर रहे हो, डेबिट किसको कर रहे हो, प्लांट प्लांट एंड एंड मशीनरी को, मशीनरी। लेकिन पर्टिकुलर की वजह से धोखा ना खा जाना कि आप ये समझो कि ये डेबिट मेरा प्लान मेरा कैश अकाउंट हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ ट्रेसिंग पर्पस के लिए हम न्यू दूसरा नाम लिखते हैं। ओके होगी बात। अच्छा, पहली एंट्री मैंने पोस्ट कर दी, कैश अकाउंट तो मैं बना ही नहीं रहा जी। सर इधर तो कैश और इसकी प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट एक जैसी है, अगर कहीं और डिफरेंट भी आ सकती है तो फिर हम अमाउंट वही रहने देंगे, कैश की नहीं लिखेंगे ना। नहीं, नहीं गेस कहाँ किया मैंने, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं बताया कि इस प्लांट को जो न्यू प्लांट आपने खरीदा है, परचेज न्यू प्लांट, कैश के जरिए से खरीदा है बैंक के जरिए से, तो आपने क्या कहना है, एक मिनट भाई, आवाज आ रही है, सर जी आवाज सर आ रही है अभी। अच्छा अभी अभी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आवाज भी नहीं आई थी मुझे फोन में। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ, आप कह रहे हो कि सर 20,000 मैंने गैस आउट किया हुआ है, आप क्या कह रहे हैं, आप ये समझ रहे नो हैं, सर, मैंने हाँ जी जी सर बताएं। मैंने ये कहा है कि अगर यहाँ तो अब दोनों की वैल्यू सेम है, प्लांट और कैश की अमाउंट एक जैसी वैल्यू इन दोनों की, अगर फॉर एग्जांपल कैश की वैल्यू चेंज होती है नहीं नहीं तो नहीं क्या नहीं हम नहीं इधर अमाउंट। नहीं जितनी अमाउंट से जो चीज डेबिट होती है उतनी अमाउंट से क्रेडिट होनी है, एंट्री का रूल है भाई, एंट्री का रूल है, क्योंकि देखिए आपने क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई तो परेशानी हो ना, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी एंट्री होनी है, देखो यहाँ पे देखो, दूसरी एंट्री में मैंने दोनों अमाउंट सेम नहीं रखी हुई, दोनों अमाउंट सेम नहीं रखी हुई, याद सेम रख, आपने चूंकि बेसिक क्लासेज नहीं ना ली हुई, तो उसमें देखो जो चीज जितने की डेबिट होगी उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगी, ये अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, जितनी जितनी आग उतना पानी भाई, जितनी आग उतना पानी भाई, सही है, ये याद रखिएगा, जितनी डेबिट कोई चीज होगी उतनी ही क्रेडिट होगी, या जितनी कोई चीज क्रेडिट होगी उतनी ही डेबिट होगी, अकाउंटिंग का पहला रूल है, इक्वल होना लाजमी है, वरना एंट्री नहीं करो, वो आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, सही, क्योंकि तो बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, नहीं। डेबिट साइड को बैलेंस करना चाहिए क्रेडिट साइड से, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। अच्छा तो यहाँ पे कैश अकाउंट, अब चले यहाँ पे पास कैसे की इन्फॉर्मेशन कि कैश मैंने प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट साइड पे क्या अमाउंट लिख दी, लेकिन उसके पर्टिकुलर में मैंने ऑपोजिट अकाउंट का हिंट दिया, ये हिंट देने वाली बात है ताकि कल को मुझे ट्रेसिंग में आसानी हो, बजाय इसी के मैं जाके एंट्रियों को देखूं, मैं यही टी लेजर के अंदर, ये टी अकाउंट को लेजर भी कहते हैं, याद रखे टी अकाउंट का नाम है लेजर, लेजर के अंदर ही मैं देख के बता दूं कि इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया होगा, समझ आ गई, चले आगे चले। देखो अब मैंने पहला काम क्या कर लिया, मैंने पहला काम कर लिया हुआ, मैंने पहला काम
अपना पहली एंट्री देखो वर्किंग कर ली, मैं दोबारा सिखानी शुरू करता हूँ ताकि आपको जहन में बैठ जाए। डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, सबसे पहले कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन किया करनी है आपने, जो मेथड गिवन हो मेथड के जरिए से आपने कैलकुलेशन कर ली। मैंने मैंने स्टेप वन में कैलकुलेशन कर ली, मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, यानी वो जो कैलकुलेशन आपने की है उसकी भी एंट्री और उसके अलावा कोई आपने जैसे न्यू परचेज कर ली ड्यूरिंग द ईयर उसकी भी एंट्री, दोनों की एंट्री डेट वाइज करनी है। पहले जो डेट है उसकी पहले एंट्री करोगे, जो बाद की डेट है वो बाद में करोगे। तो यहाँ पे पहले मैंने प्लांट लिया था जुलाई 1 में, तो मैंने उसकी पहले एंट्री की और फिर मैंने जुलाई दिसंबर 31, 2009 में मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी थर्ड नंबर पे। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमेशा आपका हुआ करेगा, आपका क्या हुआ करेगा, आपका टी अकाउंट बनाने वाला, लेजर बनाने वाला। लेजर राइट साइड पे क्या आता है, राइट साइड पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा होता है, लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे डेबिट आ रहा होता है हमेशा किसी भी टी अकाउंट के अंदर। टी अकाउंट क्यों कहते हैं नाम, क्योंकि अब न्यू बच्चे भी टी अकाउंट इसलिए कहते हैं, टी अकाउंट की शेप नहीं है ये, टी और ये टी अकाउंट खींचा हुआ मैंने, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, ये टी है बिल्कुल, इसलिए इसका नाम है टी अकाउंट या लेजर इसका नाम है। लेजर अब क्यों है, इसके पीछे बड़ी कहानी होती है, लेकिन फिर सिंपली आप ये कर लें कि ये डेबिट और इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, ठीक है। अच्छा चले अब आते हैं यहाँ पे। अब हम मैंने क्या कर लिया, मैंने एंट्री, मैंने ओपनिंग, फिर मैंने क्या काम किया, मैंने ये काम किया कि मैंने अपने प्लांट एंड मशीनरी में मैंने अपने ओपनिंग और क्लोज, ओपनिंग क्लोजिंग तो थे नहीं क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग मैंने लिख ली है क्योंकि मैंने कल ओपनिंग मैंने कल ही बता दिया किस साइड पे आना है, ओपनिंग ने इधर ही आना होता था तो मैंने इधर ही कर दिया, ठीक है। ओपनिंग ने इधर आना था मैंने इधर कर दिया, और प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग गिवन था मैंने लिख दिया, और ओपनिंग अकमुलेटेड का गिवन था यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका मैंने लिख दिया। थर्डली मैंने पहली एंट्री पास की, एंट्री कैसे पास की वो मैंने बार 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 सबको बता दी। अब मेरी जुलाई 1 की एंट्री पास हो गई तो इसको मैं कर ले तो ग्रीन कि भाई ये एंट्री तो मैंने कर ली पास। अब मैं एंट्री नंबर 2 पे जा रहा हूँ, एंट्री नंबर 2 कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दो। एंट्री तो मैंने बनाई हुई है, क्या कैसे बनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब आपको पास यहाँ पे पहले कैश अकाउंट नहीं था तो आपको एंट्री पास करते हुए आधा आधी चीज नजर आई, अब यहाँ पे एंट्री में दोनों अकाउंट बना रहा हूँ तो दोनों चीजें दिखा रहा हूँ। सर पहले कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाया, भाई इस टॉपिक से रेलिवेंट कैश अकाउंट इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, कैश अकाउंट बनना तो लाजमी है कंपनी में, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट कर दूं कैश को करूं ना, किया होगा मैंने क्रेडिट, लेकिन आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट कैश अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, सही समझ आई। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ये दूसरी टॉपिक दूसरी एंट्री करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ध्यान से करते हैं, दिसंबर 31 डेट पहले लिख रहे हैं, डेट बड़ी जरूरी है, दिसंबर 31, 2009। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, इस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। मतलब आप पहले जाओगे डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट के अंदर गया और वो क्या हो रहा है, डेबिट, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट 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 डेबिट। देखो सबसे पहले अकाउंट देखा कि अकाउंट कौन सा अकाउंट में पहुंच गया, फिर मैंने देखना कि डेबिट या क्रेडिट, भाई डेबिट, तो पहले सबसे पहले मैंने देखा डेप्रिसिएशन अकाउंट में गया, फिर मैंने डेबिट साइड पे आ गया, मैं क्रेडिट पे नहीं गया बल्कि डेबिट पे गया, क्योंकि एंट्री में सबसे पहले वो डेबिट ही हो रहा है, और डेबिट पे जाके मैंने क्या किया, अमाउंट लिख दी, क्या लिख दी, अमाउंट लिख दी मैंने डेबिट में जाके, और इसका नाम क्या देंगे, उलट, नाम क्या देंगे, उलट, नाम क्या होना चाहिए मुझे, अब आप में से कोई बंदा बताए कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रही है, अभी जिसने माइक ऑन किया डिस्टॉर्शन आ रही कर ली, अच्छा कोई और बोल ले कोई डिस्टॉर्शन है, अच्छा अब यहाँ पे पर्टिकुलर में नाम कौन सा देना है, पर्टिकुलर में नाम कौन सा देना चाहिए, कोई और बोले पर्टिकुलर में क्या लिखूं मैं यहाँ पे, आवाज नहीं आ रही भाई, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, उलट, उलट दूसरी वाला अकाउंट, यानी देखो पर्टिकुलर में देखो क्या लिखना है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, मैंने डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया अमाउंट के साथ, ये मेरा गोल पूरा हो गया, लेकिन पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट वाली थी, क्रेडिट का जो नेम आ रहा है, क्रेडिट का कौन सा नेम आ रहा है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ठीक हो गया, समझ आई या नहीं, ठीक है। या फिर मैं नाम, या नाम जो उन्होंने क्योंकि एंट्री के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा, तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिख दूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया,
एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम प्रीवियन फैट डेप्रिसिएशन है, तो मैं वो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्युमुलेटेड, इसके दूसरे दो नाम भी हैं, इसका इसका ये नाम भी है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आगे मैं, अब यहाँ पे नाम मैंने चेंज कर दिया, तो नाम देखिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा डेबिट होना था, मैंने डेबिट कर दिया, बिल्कुल डेबिट करना डेबिट कर दिया, लेकिन पर्टिकुलर में मैं नाम वो लिखूंगा जो कि क्रेडिट वाला था। क्रेडिट वाला नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए लिखा क्योंकि अकाउंट मैंने ये बनाया हो ना प्रोविजन फॉर, इसलिए मैंने कमलेट को रिमूव कर दिया। जो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ही मैंने कमलेट का बनाया होता, फिर यहाँ पे कमलेट लिख सकता था, लेकिन मैंने अकाउंट का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा देखो, मेरी अभी वन साइडेड, देखो एंट्री की वन साइड में ग्रीन कर रहा हूँ, वन साइड मेरी ग्रीन हो रही है, यानी एंट्री की वन साइड मैंने पास कर दी, लिखनी थी लिख दी, उसको पोस्ट कर दिया मैंने, एंट्री की वन साइड को मैंने पोस्ट करने से कर दिया। अब एंट्री की दूसरी साइड की तरफ आ गए, एंट्री की दूसरी साइड कौन सी, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड है एंट्री में, दूसरी साइड कौन सी है, क्रेडिट, क्रेडिट, अब क्रेडिट। अच्छा लेकिन अब क्रेडिट तो होना है किसी अमाउंट, इसी अमाउंट ने, लेकिन अकाउंट कौन सा है, अकाउंट कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट कौन सा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो सबसे पहले आपको पता चला कि दूसरी साइड पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आप भागे भागे गए प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, उसको क्रेडिट करना था, ये देखो प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में चले गए, उसको क्रेडिट करना है, सीआर से मतलब क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड पे चले गए, अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिख दो जाके, अमाउंट क्या लिखनी है, 8536, क्या लिखनी है, क्रेडिट साइड पे जाके मैंने अमाउंट लिख दी, क्रेडिट साइड पे जाके मैंने अमाउंट लिख दी मैंने। और फिर यहाँ पे पर्टिकुलर में नाम कौन सा देते हैं, उलट का अकाउंट, क्रेडिट का उलट कौन सा है, डेबिट, डेबिट का नाम क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो फिर आपने नाम पर्टिकुलर में उलट देना, नाम पर्टिकुलर उलट इसलिए देते हैं, मैं लाजमी तौर पे दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, नाम इसलिए लिखते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेसिंग, कल को कोई आपसे कह दे कि बताओ जी इसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट तो ये आ गया, यानी प्रवीण का क्रेडिट इफेक्ट तो ये आ गया, अमाउंट क्रेडिट पे लिख दी, इसका डेबिट कहाँ गया होगा, तो मैं पर्टिकुलर को देखूंगा, मैं कहूंगा डेबिट कहाँ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में, डेबिट कहाँ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में। और ये देखो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं गया, बिल्कुल गया हुआ, ये अमाउंट सेम नहीं है, डेबिट अमाउंट सेम नहीं है। जी तो देखो एंट्री की दूसरी साइड भी मेरी पास होगी इंफॉर्मेशन, तो एंट्री को सही तरीके से मैंने पोस्ट भी करना सीखना है, सिर्फ एंट्री बनानी नहीं सीखनी, वर्किंग करनी नहीं सीखनी, एंट्री को सही तरीके से पोस्ट करना भी सीखा है। तो मैंने दोनों साइड, यानी ग्रीन होगी यानी दोनों साइड मैंने पोस्ट कर दी, पोस्ट करनी थी कर दी मैंने। अब कोई और एंट्री बकाया बची, अब पूरे साल में कोई और एंट्री मेरी बकाया बची, नहीं बची, कोई भी नहीं, यानी ओपनिंग लिखने थे ओपनिंग लिख दिए, कोई साल की सारी एंट्री थी वो मैंने लिख दी, साल में सिर्फ दो एंट्रियां थी मैंने दोनों कर दी, अब कोई एंट्री नहीं बची। अब इन अकाउंट को करते हैं क्लोज, क्या करते हैं क्लोज, जो अकाउंट मेरा, जो साल के बाद जब कोई एंट्री ना बचे तो आप अकाउंट को करते हो क्लोज, दरवाजा बंद कर देते हो। जो अकाउंट खोला था, अकाउंट खोलने से मुराद ये है कि जो जगह, जो आपने रूम एक ओपन किया था, अब रूम को ओपन किया, चीजें पुट की, चीजें पुट करने के बाद उसको बंद कर दो, बस उसकी कहानी खत्म, 2009 की कहानी खत्म होने वाली मेरी। अब यहाँ पे कैश, यहाँ पे मैंने एंट्री में वो जुलाई वन डेट भी लिखनी चाहिए थी, डेट भी मैंने पॉज की, तो डेट भी मुझे करनी है 01/01/2009, और यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन एंट्री हुई थी तो डेट क्या थी, दिसंबर 31, 2009, डेट यहाँ पे भी लिखनी है। ये कौन इस टाइम आ गए, अच्छा ये आ गई डेट भाई, ठीक है ये ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन पास करना आ गई अकाउंट के अंदर। जी सर, देखो भाई अब इस सबसे पहले बारी बारी अकाउंट को क्लोज करते हैं, पहले ये वाला कमरा क्लोज करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, सबसे पहले इसका करते हैं। ये सबसे पहले मुझे बताओ, इस पे डिस्पोजल भी आने चाहिए, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में आते जीरो कर दो, क्या कर दो, जीरो, डिस्पोजल नहीं आई, पूरे साल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी डिस्पोजल की, तो इसमें जीरो कर दो, यानी मुझे इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए, आ सकती है, नहीं दी तो कोई बात नहीं, निकाल दी मैंने, निकाल दी मैंने। अच्छा अब ध्यान से आपने करना है क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करते हैं, बड़ा हुनर है भाई, क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग ऐसे करते हैं कि जो साइड छोटी हो, जो साइड छोटी हो वहां जाके खड़े हो जाओ। मुझे प्लांट एंड मशीनरी में बताओ कौन सी साइड छोटी होने से मुराद है कि जो साइड अमाउंट वाइज छोटी हो, तो कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है इन दोनों में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी में बताओ कि कौन सी साइड छोटी है, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे जाके खड़े हो जाओ,
क्रेडिट, चले म्यूट कर लें। अब मैंने देखा कि प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट साइड पे बड़ी बहुत ज्यादा अमाउंट आ रही हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे तो कोई अमाउंट नहीं आ रही, या अगर कोई अमाउंट आ भी रही होती तो मैंने सम करके दिख लेना था कि कौन सा साइड छोटी है। तो मैंने देखा कि मेरी क्रेडिट साइड छोटी है, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, सबसे पहले तो ये मैंने फैसला लेना है कि मैंने किस साइड पे जाके क्लोजिंग लिखना है। तो साइड का डिसीजन कैसे होगा, साइड का डिसीजन इस तरह से होगा कि आपने छोटे वाले साइड पे जाके खड़े हो जाना है। हो गए खड़े भाई, मैं अगला काम क्या करना है कि जो बड़े वाली साइड हो उसकी अमाउंट को प्लस करो। बड़े वाली साइड की अमाउंट कौन कौन सी है, 25,000 जमा 20,000 जमा 20,000। छोटे वाली साइड पे जाके खड़े होना है, याद रखो छोटे वाली साइड पे जाके खड़े होना है, और छोटे वाली साइड पे जहां पे खड़े हो वहां पे उस सेल के अंदर उस जगह पे बड़े वाली साइड को प्लस करना है। बड़े वाली साइड में दो अमाउंट नजर आ रही हैं, ओपनिंग वाली और कैश, ये वाली, ये न्यू एडिशन वाली। तो ओपनिंग प्लस न्यू एडिशन बड़े वाले साइड पे पड़ी है, तो उनको दोनों को प्लस किया। छोटे वाले साइड में कोई और अमाउंट पड़ी है, नहीं जीरो पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ, कोई भी अमाउंट नहीं, नहीं गिवन। तो कितना हो गया, क्लोज हो गया ये अकाउंट मेरा, क्या हो गया, क्लोज हो गया हो गया। अकाउंट मेरा, क्लोज। दरवाजा बंद, यानी सर ये दरवाजा क्यों बंद करते हैं भाई, अब आप में से दो दो जो लोग नए, क्यों करते हैं मालूम ऐसा, क्लोज क्यों करते हैं, कोई बताए मुझे भाई, बताएं कोई आप में से बताएगा। अकाउंटिंग का रूल है जिस तरह से मेरी एक एंट्री में अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में सेम आती थी, बिल्कुल उसी तरह मेरा टी अकाउंट अनबैलेंस ना हो, वो दोनों की दोनों साइडें मैच कर रही हैं, दोनों की दोनों साइडें अमाउंट वाइज। इसमें टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, इसमें टोटल अमाउंट आ रही है, एक मिनट, ये इसमें टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, इस साइड पे टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, इस साइड पे टोटल अमाउंट कितनी आ रही है भाई। 45 अगर मैं यहाँ पे क्लोज ना करता तो ये वाली साइड पे तो 45 नजर आता, लेकिन क्रेडिट वाली साइड पे क्या आता, जीरो। क्या आता, जीरो। तो भाई मेरा अकाउंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता, अनबैलेंस हो जाता मेरा अकाउंट। उसको बैलेंस करने के लिए मैं अकाउंट को क्लोज करता हूँ। तो जब मैं क्लोज किया, तो जब मैंने साइड दोनों साइडों को प्लस किया, देखो इस साइड को मैंने प्लस कर लिया, इस साइड को मैंने प्लस किया तो इसका भी 45, और उस साइड को प्लस किया तो उसका भी 45। समझ आ गई, अकाउंट जी सर, आगे को क्लोज इसलिए करते हैं ताकि मेरी दोनों साइडें बैलेंस रहें, अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें क्या हों, बैलेंस रहें। अच्छा फिर आगे यहाँ पे, अब आते प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट की तरफ। यहाँ पे मैं, अब मुझे कोई आप में से कोई एक बंदा बताए कि यहाँ पे क्लोजिंग का फैसला कैसे करूं मैं, क्लोजिंग का फैसला कैसे करूं मैं। सबसे पहले सोचना क्या है कि बड़े वाली साइड कौन सी, फिर सोचना है छोटे वाले साइड कौन सी। आपने छोटे वाले साइड पे जाके खड़े हो जाना है, छोटे वाले साइड पे जाके खड़े होके अमाउंट के कॉलम में आपने बात ऐसे शुरू करनी है कि बड़े वाले साइड की जितनी भी अमाउंट होंगी उनको प्लस करना है, और छोटे वाले साइड पे अगर कोई अमाउंट आ रही है तो उसको माइनस करना है, उसको माइनस करना है। चले मुझे बताएं, अब मुझे बताएं अब कैसे फैसला करूं, प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन में क्लोजिंग का कैसे फैसला करूं। सर, सबसे पहले चेक करना है कि जो है वो छोटी साइड कौन सी, बड़ी वाली को चेक करेंगे, अगर एक साइड बड़ी होगी और एक छोटी, फिर छोटी पे चले जाना है। अच्छा चले गए, मुझे कोई आपको चले पता चलेगा, कोई मुझे वो बंदा बताए जिसको पहले से बात नहीं पता थी, ताकि उसकी वो प्रैक्टिस हो जाए यहीं पे, जल्दी से बताए ना काइंडली भाई। कोई बोल ले चले अभी, चले भाई चले मैं बता देता हूँ। देखो अब मैं बता देता हूँ कि प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन में, अब देखो कि यहाँ क्रेडिट साइड पे बहुत सारी अमाउंट्स नजर आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, 10,000 नजर आया, 8,500 नजर आया, तो यहाँ तो अमाउंट, यहाँ पे तो कोई अमाउंट नहीं नजर आई, तो ये छोटी साइड, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही खड़ा हो जी, सर इन्हें जो क्रेडिट जो इस पार्टिकुलर ओपनिंग और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है, इसे जो है वो डिस्पोजेबल जो है वो डिस्पोजल एक्युमुलेटेड के नीचे जो है इसे प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो फिर जो है ना इससे प्लस करके तो यहाँ इक्वल कर देंगे, और अगर यहाँ पे कोई अमाउंट लिखी जाती तो उससे फिर इसमें माइनस कर देना था। जी बिल्कुल। आपने क्या करना है, छोटे वाले साइड पे जाकर खड़े होगे, और छोटे साइड वाले खड़े होने के बाद क्या करना है, बड़े वाले साइड वाली अमाउंट्स को प्लस कर लो। बड़े वाले साइड क्रेडिट वाली थी, इनको मैंने प्लस कर लिया, 10,000 जमा 8,500 प्लस कर लिया, और छोटी साइड में अमाउंट अकमुलेट जीरो है तो जीरो कर दो, कोई भी नहीं आया, नहीं यहाँ पे कोई नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हो गया अकाउंट मेरा, क्या हुआ, क्लोज। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोज, क्लोजिंग।
क्लोजिंग सीडी, क्लोजिंग सीडी, और ये आ गया भाई। मैं देखता हूँ क्या मेरे अकाउंट बैलेंस है या नहीं, यानी डेबिट की साइड मेरी क्रेडिट के इक्वल है या नहीं है। अगर मैं देख लेता हूँ अभी, अभी देख लेते हैं इसके। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस हो, फॉर्मूला पे लेके आना था मैंने। चले ये वाली, इसमें प्लस जो आ रही है अमाउंट, इसमें जो मेरी अमाउंट टोटल आ रही है इस साइड पे, अमाउंट साइड पे टोटल जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 18,533। अगर मैं क्लोज ना करता, अगर मैं क्लोज ना करता तो इस साइड वाली अमाउंट क्या आती? जीरो। क्या आती? जीरो आ जाती। जीरो आती। लेकिन चूंकि मैंने अब क्लोज कर लिया हुआ, तो दोनों साइडें क्या होगी बराबर? दोनों साइडें क्या होगी? इक्वल आ देंगे। इक्वल आ गए, दोनों साइड मेरी होगी बराबर। तो मेरी दोनों साइड बराबर हो गई हैं, तो अब मेरा काम खत्म। अब मैंने ये काम कर लिया, अब मेरा टी अकाउंट ये भी क्लोज हो गया। यानी अब मैंने देखो, आज मैंने बड़ा अहम पूरा क्वेश्चन किया है, मतलब उसमें अब एक चीज रहेगी, डिस्पोजल की बातें, डिस्पोजल की बातें रह गई हैं। अच्छा फिर आते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये इसके ऊपर आते हैं। देखो एक्सपेंस अकाउंट कभी भी ओपनिंग नहीं आती, तो इसलिए आपको कोई ओपनिंग नजर नहीं आई। इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट की कोई ओपनिंग नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ कोई ओपनिंग नहीं की। और लेकिन उनकी क्लोजिंग होती है, लेकिन उनके क्लोजिंग का नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम होता है? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। एंड लॉस। अब देखो कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड बड़ी है। छोटी वाली साइड कौन सी है? वहां पे, वहां पे देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे डेट्स पास करके आया, तो डेट्स मैंने ले लिखी हुई थी क्लोजिंग की। अच्छा मुझे बताएं कि छोटे वाली साइड कौन सी है भाई, छोटे वाली साइड कौन सी है? डेबिट साइड। खड़े हो गया, मैं खड़ा हो गया वहां पे। बड़े वाले साइड को प्लस करो, बड़े वाले साइड की अमाउंट कितनी है? 35,85,33। छोटे वाले साइड पे कोई अमाउंट नहीं आ रही, जीरो, तो वो अमाउंट आ गई। अब जब भी एक्सपेंस होती है तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ क्लोजिंग का वर्ड नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? क्योंकि एक्सपेंस है ये, तो आपने क्या लिखना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपने लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपने लिखना है क्लोजिंग के अंदर। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरी दोनों साइडें बराबर हुई या नहीं हुई। मैं चेक करने के पर्पज के तौर पर, मैं क्या यहाँ पे अगर मैंने प्लस की है, ये मेरी इस साइड की मेरी आती, एक मिनट क्या होना है, क्या गया? और अगर देखें यहाँ पे मेरी साइड का टोटल आया 85, टोटल इस पूरी साइड का अमाउंट का। अगर मैं क्लोज ना किया होता तो इस साइड का टोटल क्या आता? अगर मैं क्लोज ना करता, अगर मैं क्लोज ना करता तो साइड क्या होती? जीरो। क्या साइड होती? जीरो होता। जीरो। तो मेरा 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 जो अकाउंट वो डिसबैलेंस होता, वो जो टी अकाउंट है वो टी अकाउंट रहता ही ना, वो तो तराजू की तरह लटक जाता भाई एक साइड पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, तो जब क्लोज किया तो दोनों साइड क्या हो गई? बैलेंस। क्या हो गई? बैलेंस। तो यानी दोनों पलड़े मेरे जो टी अकाउंट के दोनों किनारे बैलेंस हैं, तो कोई भी मेरे नहीं है। और बात समझ आई भाई? ये आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने चीजों को कवर अप किया काफी सारा। तो मुझे कोई, अब मैं आप में से कोई ये बताए कि भाई अब कोई क्वेश्चन से है तो कोई पूछ ले। सर, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब हमारा ये लॉस हुआ है। नहीं, अच्छा ठीक है, अब आपकी ये बात आ गई। ये जो बात आपने की है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लॉस हुआ एक किस्म का, एक्सपेंस हो गया ना, इसमें एक्सपेंस हुआ है ना। एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, जब ये एक्सपेंस क्रिएट हुआ है तो प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके ये लेस होगा, जाके क्या होगा? लेस होगा। समझ आई? नहीं आई होगी, बताएं भाई समझ आई या नहीं आई, या किसी और तरीके से आपको बताऊं? देखो सर ये एक किस्म का लॉस, लॉस नहीं कह सकते इसको, एक्सपेंस। देखो लॉस भी एक्सपेंस ही होता है, लेकिन इसके लिए वर्ड हम एक्सपेंस यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा मुझे बताएं, मैंने क्यों इसको क्रेडिट किया भाई? मैंने इसको क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट, मुझे बताओ ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरा क्लोज जब यहाँ पे क्रेडिट पे हो रहा है, तो अगर कल को कोई पूछे कि क्रेडिट हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो गया इतने से, तो डेबिट क्या होगा? मैं कहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं क्या कहूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में जाके वो लेस हुआ होगा, जाके क्या हुआ होगा? लेस हुआ होगा।
अगर कभी आप इनकम स्टेटमेंट में देखें तो जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इसीलिए एक्सपेंसेस आते हैं तो रेलिवेंट जो एक्सपेंस आपको नजर आए ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, समझ लो वो रेलिवेंट टी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। किधर आ रहा होगा? किधर आ रहा होगा? क्रेडिट साइड पे। भाई अभी कोई और है बात तो पूछ लें। ये असल में इस टॉपिक से रेलिवेंट चीज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर जितनी आपके जहन में अभी पल्ले पड़ गई है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो इस टॉपिक से रेलिवेंट ये नहीं है। आप बस इसको रटा लगा लें कि अगर जब मैं एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करता हूँ तो ऑपोजिट अकाउंट में जाके जिस जो साइड छोटी हो वहां जाता हूँ, वहां जाके अमाउंट कैसे लिखनी है कि बड़े वाली साइड की अमाउंट लिखनी है, छोटे वाली साइड की जो अमाउंट है माइनस करनी है। छोटे वाली साइड पे अमाउंट कुछ भी नहीं थे तो मैंने क्या किया, जीरो माइनस, तो अमाउंट फिर आ गया इसका आंसर। जो आंसर आया तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं लिखते, चूंकि एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है तो क्लोजिंग नहीं लिखते, बल्कि इसका नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई? ठीक है। सर समझ आ गया। एक्चुअली एक्चुअली किया क्या उसने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। कल को कोई आपसे एंट्री मांगे ना, तो एक तीसरी एंट्री मांग, कल को कोई आपसे एंट्री मांगे ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या मांगे? आप कहता है कि एंट्री बनाओ, क्लोज एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ डेफिसिट कल कोई आपसे मांग लेता है ना, तो ये भी आप जाते जाते एक चीज सीख लें कि उसमें आप एंट्री क्या होगी, एंट्री बनी होगी ये वाली कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेबिट और डेबिट, कितने से, यहाँ पे 8533। और आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई वो? ये एंट्री, एक्चुअली ये एंट्री बनी है मेरी। तो कल कोई आपसे पूछे कि जब आप किसी एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हो तो कैसे करोगे, उसकी एंट्री बनाओ। तो एंट्री सिंपल ये है कि अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ तो अल्टीमेटली डेबिट क्या होगा, पर्टिकुलर को देखो, पर्टिकुलर में क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस तो वो डेबिट हुआ होगा, वो डेबिट हुआ प्रॉफिट होगा और ये क्रेडिट हुआ। जब चूंकि मेरा डेफिनेशन एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो मेरा डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या हुआ एक्सक्यूज मी सर, प्रॉफिट एंड लॉस जी? जी बताएं, सम टाइम डेबिट साइड भी तो छोटी हो सकती है। तो आपकी एंट्री उलट हो जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेफिनेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ठीक आपने मूवमेंट एक किनारा पकड़ो, दूसरे किनारों के उलट दो बस। अगर यहाँ पे देखो कोई आपसे पूछे कि आपसे आपसे पूछ, चलिए यहाँ पे देखना, अभी मैंने की थी बात आपकी कि प्रवीण के अंदर डेफिसिट मैंने लिखा, प्रवीण के अंदर क्रेडिट कर रहा हूँ, डेफिसिट क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट। क्रेडिट तो भाई इसकी एंट्री बताओ, मैं कहूंगा प्रवीण फॉर डेफिसिट क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो उलट पकड़ो ना इसका, यहाँ पे जो ये चीज आ रही है वो तो, वो तो आपको पता है ना, एक किनारा कि ये क्रेडिट हो रहा है तो अल्टीमेट डेबिट कर जाएगा जहां, जो पर्टिकुलर में लिखा होगा, जो पर्टिकुलर में लिखा होगा। तो कोई अगर क्रेडिट पे आ रही है कोई चीज तो पर्टिकुलर में जो चीज आ रही है वो डेबिट पे, वो उसको डेबिट हो रहा होगा, सही है? अगर कोई चीज डेबिट पे आ रही है, सॉरी, अगर कोई डेबिट पे आ रही है अमाउंट और आपको कहते हैं क्रेडिट क्या आ रहा है, तो मैं कहूंगा जो पर्टिकुलर में अमाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मैं फिर उलट बोल गया, मैं कहता हूँ कि अगर कोई कल को मुझसे पूछता है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर डिस्पोजल, मैं कहता हूँ डिस्पोजल अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, डिस्पोजल की वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, मैं कहूंगा डिस्पोजल अकाउंट, क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा, डिस्पोजल। तो ये ट्रेस डिस्पोजल करने के लिए चीज अकाउंट अहम होती है, तो आप इसको आप ये करोगे। ठीक है, आज की बात इतना, मैं तो कहता हूँ आज इतना रोक लें, इसको हजम कर लें, फिर एक क्लास और थोड़ी सी। देखो आज मैंने लेकिन चीज क्योंकि मैंने ज्यादा अच्छे से आज करवाई है, तो इसको हमने आज क्या सीखा भाई, आज मैंने एंट्री को, आज मैंने दोबारा सारा काम किया, यानी मुझे, मैंने कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट भी की, मैंने रेट फाइंड करना भी सीखा, मैंने WDV मेथड लगाया, रेट फाइंड किया, टाइम प्रोपोर्शनेट यूज किया, फिर मैंने रेट फाइंड करने के बाद मैंने डेफिसिट उसकी एंट्रीज बनाई, एंट्रीज बनाने के बाद मैंने टी अकाउंट बनाए, टी अकाउंट बनाने के बाद मैंने ओपनिंग पास की, मैंने क्लोजिंग पास की, मैंने उनकी जो एंट्रीज बनाई हुई थी वो उनको पास किया, फिर उन अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद फिर मेरा, अब मैंने उनको क्लोज करके बात खत्म। अब दो बातें हमारी रह गई हैं, डिस्पोजल और हमारी डिस्पोजल ऑफ एसेट्स,
अगर कहते हैं तो अभी शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आज इतने कर लें और इसको इसको जो है कल पे कर लेते हैं, 9:13 यानी 1.25 घंटा हो गया। भाई आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि अभी आगे पढ़ा दूं या आप कल का वेट करोगे और कल करा लेंगे ये डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। जी सर, अगर आप कल फ्री हैं तो फिर कल करवा दें, अगर आज फ्री हैं तो आज ही करवा दें। अच्छा, बाकी बाकी लोग जो हैं वो डिसीजन लें, मैं फिर करवाऊंगा, क्योंकि जो बाकी लोग मुझे तो जो कोई हैं इशू वो नहीं है, मुझसे आप बोल देख सकते लें अगर आप मैनेज कर हैं, लें। करवा दें। हाँ, अगर आप करवा सकते हैं। अच्छा चलें। बाकी क्या है भाई, शकील साहब है, अक्सावान है, कौन कौन है, मोहम्मद है, बाकी लोग ठीक है, मोहम्मद सुफियान है। चलें मैं कहता हूँ कर लेते हैं आज। देखिए डेप्रिसिएशन के एंड वाली बातें रह गई हैं, वो ये रह गई हैं कि मुझे देखो डेप्रिसिएशन के टॉपिक में डेप्रिसिएशन क्या थी वो सीख लिया, कॉस्ट के अंदर से कॉस्ट के कंपोनेंट इकट्ठे करने वो सीख लिए, डेप्रिसिएशन मेथड कैसे अप्लाई होना, कौन कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड होता है वो सीख लिया, बेसिस क्या होती है टाइम प्रोपोजिशनल फुल ईयर वो सीख ली, तीसरी हमने ये देखी कि भाई डेप्रिसिएशन के साथ अगर एडिशन आ रही है, कोई न्यू एडिशन चीज आ रही है तो वो चीज सीख ली, वो चीज सीख ली, चौथी चीज मैंने सीखा कि भाई एंट्री कैसे करनी है, हमने एंट्रियां भी आया सीख ली कि एंट्री डेप्रिसिएशन की अलग से करते हैं, अगर कोई डेप्रिसिएशन न्यू अगर कोई एसेट आ रहा है उसकी अलग से एंट्री बनती है वो सीख ली, चौथी चीज मैंने क्या सीखी है आज के टी अकाउंट कौन कौन से बनाते हैं, लेजर कौन कौन से बनाते हैं, तो लेजर तीन तरह के, तो तीन जो एंट्रीज में आ रहे थे वो सारे बने होते हैं, अब चूंकि एंट्री में चार आ रहे थे लेकिन कैश का मुझे बनाना ही नहीं था, यहाँ पे कैश के मुझे बनाना ही नहीं था, तो तीनों बताओ। देखो एंट्री के अंदर भी तो वही वही अकाउंट है ना जो मुझे बनाने थे, जो कल मैंने आपको कहा था, तो वही वही मुझे बनाने पड़े। अच्छा थर्ड, मैंने आपके सामने आज हमने काफी ये कवर कर लिया डेप्रेशन को, अब हमने क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा टॉपिक है डिस्पोजल। मैं इसको आपको मैं पहले ओवरव्यू दूंगा, डिस्पोजल होती क्या है, डिस्पोजल होती क्या है वो बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि डिस्पोजल चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा चलें, चले जी डिस्पोजल की तरफ आते हैं जी, डिस्पोजल का टॉपिक है डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल टॉपिक, डेफिनेशन के अंदर डिस्पोजल, डिस्पोजल होता क्या है पहले लफ्ज गौर करें। देखो डिस्पोजल का मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाना, डिस्पोजल का मतलब है डिस्पोज ऑफ हो जाना, मतलब निकल जाना, निकल जाना कब एसेट निकल सकता है, एसेट से मतलब बातें हैं, तो एसेट का डिस्पोज ऑफ हो जाना मतलब यह है सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, सेल ऑफ एनी फिक्स टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, उसको हम कहते हैं कि डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, बात उसकी यही है कि डिस्पोजल का मतलब क्या है कि सेल ऑफ एनी टेंजिबल फिक्स एसेट। अब जब डिस्पोजल करते हैं ना तो डिस्पोजल के कुछ रूल हैं, वो रूल आपने याद करने हैं, देखो मैं फिर बताता हूँ कि डिस्पोजल के कुछ रूल हैं, जब भी आप डिस्पोज ऑफ करने लगो किसी चीज को बेचने लगो ना, सबसे पहले उसके चार स्टेप्स होंगे, कितने स्टेप्स होंगे भाई, चार। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन कि जिस चीज को आप डिस्पोज कर रहे हो, जिस चीज को जिस एसेट को आप बेच रहे हो उसको ट्रांसफर कर दो, यानी ट्रांसफर कर दो किधर से, देखो नॉर्मली हमारा एक एसेट किधर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एसेट किधर पड़ा हुआ है मेरा, मेरे मेरे प्लांट एंड मशीनरी में, ये चीज किधर पड़ी हुई है प्लांट एंड मशीनरी में पड़ी हुई है, जो भी नई चीज आएगी वो किधर आएगी, इधर आएगी। अब मैं कहता हूँ इस 25 और 20 हजार में से कोई एक चीज मैंने बेच दी, मैं कहता हूँ 20 हजार तो मैंने न्यू चीज लेके आया, बिल्कुल लेके आया, लेकिन ये 25 हजार का जो ओपनिंग पड़ा हुआ था इसमें से कोई चीज मैंने बेच दी, अब चूंकि वो इस हेड में पड़ी हुई थी, ये टी अकाउंट, इस टी अकाउंट में चीज पड़ी हुई है, तो मैं कहूँ सबसे पहले मुझे करना ये पड़ेगा जिस चीज को मैंने डिस्पोज ऑफ करना है उसको एसेट वाले अकाउंट से ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर करने से बाद निकाल दो छुट्टी, उसकी वजह क्या मैं बता देता हूँ। देखो जब भी किसी चीज की, जब भी किसी चीज की डिस्पोजल यानी सेल करनी है, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ दैट, ट्रांसफर दैट सोल्ड एसेट, सोल्ड एसेट, ट्रांसफर सोल्ड एसेट, जो एसेट आपका है उस ट्रांसफर सोल्ड एसेट इनटू न्यू अकाउंट, इनटू न्यू अकाउंट नेम एज, इनटू न्यू अकाउंट, इनटू न्यू अकाउंट नेम्ड एज डिस्पोजल, नेम्ड एज डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या करना है, डिस्पोजल में सब जिस चीज को बेचना हो
उसको हम कहते हैं कि भाई उसको नॉर्मल एसेट वाले अकाउंट से निकाल दो, जिस एसेट को आपने बेचना है उसको नॉर्मल एसेट वाले अकाउंट से निकाल दो और नए अकाउंट में जाके रख लो। बिल्कुल एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि आपके आपके पास नॉर्मल चीजें, नॉर्मल जो चीजें होती हैं, नॉर्मल जो चीजें आपके पड़ी हैं एक रूम में पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सोफे पड़े हुए हैं एक रूम में, पड़े हुए हैं एक सोफे रूम में, पड़े हुए बिल्कुल एक रूम में सोफे पड़े हुए हैं। अब आपने सोचा कि एक ऐसा सोफा है जिसको मैंने बेचना है, जब आपने इसको बेचना होता है तो आप कहते हो कि आपने क्या करना है, वक्ती तौर पे उसको, उस बिकने वाली चीज को आपने वक्ती तौर पे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देना। अकाउंट न्यू अकाउंट से मुराद ये है कि पुराने टी अकाउंट से निकालो चीज और न्यू टी अकाउंट में डाल दो, और न्यू टी अकाउंट का नाम क्या है, डिस्पोजल अकाउंट। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, उसको कहेंगे कि भाई चलो छुट्टी करो, तुम आज से हमारी चीज नहीं हो, जब तुम आज से हमारी चीज नहीं हो तो तुम हमारे नॉर्मल एसेट के साथ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। जिस चीज को मैंने बेचना है ना उसको कहूंगा भाई तुम्हारी इस अकाउंट से छुट्टी, वो कहेगा क्यों, मैं इसलिए कहूंगा कि भाई तुम्हारा वास्ता हमसे खत्म होने वाला है, जब तुम्हारा हमसे वास्ता खत्म होने वाला है तो तुम इस एसेट, जिस एसेट में तुम पड़े हो यहां से निकलो, यहां से निकल जाओ और निकल जाके एक एक ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां चीजों को मैं, जहां से मैं चीजों को डिस्पोज ऑफ करता हूँ। तो मैं उसको नॉर्मल टी अकाउंट से, नॉर्मल जो एसेट अकाउंट से चीज को निकालूंगा, डिस्पोजल का सबसे पहला स्टेप कि नॉर्मल टी अकाउंट से चीज को निकालूंगा और उसको डिस्पोजल वाले अकाउंट में डाल दूंगा, यानी नॉर्मल कमरे में जो चीज पड़ी थी, सोफा जो पड़ा हुआ था उसको वहां से निकालूंगा, और जिस जिस रूम से मैंने चीज को रखना है टेम्परेरी तौर पे रख के, और जिस यहाँ से जो जो कोई दूसरा बंदा आके खरीदेगा वहां से उस कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। मैं नॉर्मल टी अकाउंट से निकाल के उसको डिस्पोजल के टी अकाउंट में जाकर डाल दूंगा, सबसे पहला स्टेप ये करना है आपने। अच्छा मैं कहूंगा ट्रांसफर सोल्ड एसेट, ट्रांसफर सोल्ड एसेट फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल एसेट अकाउंट टू टू न्यू अकाउंट नेम्ड एज डिस्पोजल। ये सबसे पहला स्टेप ये करना है आपने। सबसे पहले स्टेप में चीज को नॉर्मल वाले एसेट अकाउंट से निकाल के नए वाले अकाउंट में डालना है, और नए वाले अकाउंट का नाम है डिस्पोजल अकाउंट, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या होगा, स्टेप नंबर टू जो होगा वो ये होगा कि स्टेप नंबर टू वो कहेगा ठीक है, देखो अब मैं क्वेश्चनिंग, मैं स्टोरी बना रहा हूँ। सबसे पहले हमने चीज को कहा चलो उठो यहाँ से, चलो निकलो इस कमरे से, तुम्हारा इस कमरे से लिंक खत्म होने वाला है, जब तुमने इस कमरे में रहना ही नहीं है तो तुम अभी क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से और जाओ तुम आरजी कमरा स्टोर वाले कमरे में, उस स्टोर वाले कमरे का डिस्पोजल नाम है, डिस्पोजल नाम है उस उधर चले जाओ। वो कहेगा चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, वो बड़ा शरीफ फरनाना है, वो हमारे आगे ना तो कर नहीं सकता एसेट, वो वहां से उठेगा और डिस्पोजल के अकाउंट में चला जाएगा। वो कैसे जाएगा, एंट्री बनेगी एक, एक्चुअली इसकी एंट्री होगी, वो क्या होगी बाद में देखते हैं, पहले स्टेप देख लेते हैं। दूसरे स्टेप में हमने डिस्पोजल में क्या करना होता है, वो कहेगा आगे से वो भी हमारे साथ पूरा पूरा आएगा भाई हमसे, वो पूरी पूरी बात करेगा। डिस्पोजल कहेगा कि जिस तरह से तुमने मुझे उठा के नए कमरे में बिठा दिया जो नए कमरे का नाम है डिस्पोजल, तो क्यों ना जो आज तक मेरी डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास पड़ी हुई है उसको भी लेके आओ। देखो ध्यान से सुनो, वो डिस्पोजल कहेगा जो जिस चीज को आप डिस्पोजल के अकाउंट में शिफ्ट कर रहे हो, वो जाते हुए आपसे कहेगा कि मैं तब जाऊंगा जब तुम आज तक जो मेरी डेफिसिट कैलकुलेट करते रहे हो, जो जो मेरी डेफिसिट तुम्हारे मेरे जो मैं बिक रहा हूँ मेरे ऊपर जो डेफिसिट तुमने कैलकुलेट की है उसको भी मेरे पास लेके आओ, फिर मैं जाऊंगा। मैं कह दूंगा ठीक है, तो दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर अकमुलेटेड डेफिसिट। अकमुलेटेड डेफिसिट से मतलब है कि उस वक्त तक जितनी भी उस एसेट की जो मैंने डेफिसिट कैलकुलेट की हुई है सारी की सारी इकट्ठी करो और उसको आप उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जहां पे वो बैठा हुआ है। मैं फिर कहता हूँ ट्रांसफर अकोमोडेटेड डेफिनेशन ऑफ दैट एसेट, ऑफ दैट सोल्ड एसेट इनटू न्यू अकाउंट नेम्ड एज डिस्पोजर। दूसरे में क्या करना है, सबसे पहले हमने चीज को कर निकलो यहां से, भाई तुम्हारी छुट्टी, तुम आज के बाद हमारे पास जो तुमने रहना ही नहीं है तो तुम अभी से जाओ। मैं वो कहता ठीक है चले, वो चला जाएगा, वो साथ ही दूसरे कमरे में जाते ही तुमसे क्वेश्चन करेगा कि भाई तुमने आज तक जो मेरे ऊपर डेफिनेशन कैलकुलेट किया ना तो वो भी मेरे पास लेके आओ, मैं अकेला इस कमरे में क्या करूंगा। वो कहेगा भाई मैं अकेला इस कमरे में क्या करूं, मेरे पास कोई कंपनी देने के लिए कोई चीज हो
तो वो मैं तुमको क्या ऐसी चीज लाऊंगा, कहेगा कि भाई जो तुमने मेरे ऊपर आज तक कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना, वो सारी इकट्ठी करो और मेरे पास लेके आओ, मुझे कोई कंपनी देने वाला हो। तो वो हम क्या करेंगे, उसकी जितनी भी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की होगी सिर्फ उसी एसेट की, सारी कम्युलेट नहीं कह रहा मैं, जितने एसेट की पड़ी है सारे एसेट की नहीं, बल्कि सिर्फ उसी एसेट की जितनी मैंने कैलकुलेट की है, तो उस एसेट की जितनी मेरी आज तक कम्युलेटिव में पर पड़ी होगी उसको भी मैं उसी डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, स्टेप नंबर टू। ठीक है, थर्ड, तीसरा स्टेप में क्या कहता है कि जब मैं डिस्पोजल कर रहा हूं, तीसरी चीज कि भाई अब उस एसेट को सेल कर दो, सेल, अब कैश या बैंक रसीद रिसीव कर लो भाई। अब आपने कहना है कि भाई तुम डिस्पोजल वाले अकाउंट से भी निकलो, चलो तुम डिस्पोजल वाले अकाउंट से भी निकलो और कैश या बैंक रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्पोजल एसेट, डिस्पोजल 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 एसेट, कैश या बैंक रिसीव अगेंस्ट सोल्ड एसेट, सोल्ड करें सोल्ड एसेट, और ये फ्रॉम डिस्पोजल अकाउंट, फ्रॉम, देखो सर डिस्पोजल अकाउंट भी लिखा है इसलिए कि अब वो बैठा कहाँ पे हुआ है, उस एसेट को मैंने रखा है डिस्पोजल के अकाउंट से, तो वहां पे अब मेरा इफेक्ट जाना है और भी मेरी ऐसी ही बनेगी यहाँ पे। तो देखो तीसरे स्टेज में क्या, स्टेप नंबर तीन में क्या करना है कि मैंने अब कहना है चलो भाई तुम्हारी यहाँ से भी छुट्टी, चलो तुम्हें पहले तो मैंने वक्ती तौर पे तुम्हें ट्रांसफर किया डिस्पोजल में अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद तुम्हें तुम्हारे डेप्रिसिएशन को भी मैंने तुम्हारे पास भेज दिया, और अब तीसरी चीज मैंने ये करनी है कि बदले में जो भी तुमसे मैंने पैसे ले लिए और तुम्हारी यहाँ से भी छुट्टी, यानी उसको डिस्पोजल अकाउंट से भी निकाल दो, खत्म। अच्छा, और बदले में पैसे ले लेने हैं, तो स्टेप नंबर थ्री में आपने इसकी एंट्री किया करनी, जो पैसे रिसीव हुए उसकी डिस्पोजल अकाउंट से उसको वहां से भी निकाल दिया, फिर स्टेप नंबर थ्री हो गया। और स्टेप फोर में जाओ, देखो स्टेप फोर में क्या करेगा, स्टेप फोर में हम सोचेंगे बैठ के कि भाई एक चीज को मैंने बेच दिया, मैंने पहले उसको डिस्पोजल में ट्रांसफर किया, फिर अकोमोलेटेड को उसके अकोमोलेट डेफिसिट को उसके डिस्पोजल में ट्रांसफर किया, फिर बदले में मैंने पैसे ले लिए, फिर मैं बैठ के ये सोचूंगा कि भाई उस एसेट को बेचने की वजह से, उस एसेट को बेचने की वजह से मुझे गेन आया या लॉस आया, गेन से मुराद मुझे प्रॉफिट आया या लॉस आया यानी नुकसान हुआ। वो कहना, ये हमने कहने का मतलब ये है स्टेप नंबर फोर में कि अब जब मैंने उसको ट्रांसफर करके उसको राजी रूजी करके मैंने निकाल दिया अपनी किताबों से, अब मुझे मुझे टाइम मिला जिस टाइम में मैंने ये सोचना है कि भाई इस एसेट को बेचने की वजह से मुझे फायदा हुआ या नुकसान, ये इस स्टेप में सोचना है। तो क्या करेंगे हम कि गेन कैलकुलेटिंग कैलकुलेट, या कहेंगे गेन एंड लॉस कैलकुलेशन, लॉस ऑफ दैट डिस्पोज्ड एसेट, डिस्पोजल डिस्पोज्ड एसेट। अब मैंने क्या करना है कि भाई वो जो एसेट मैंने बेचा, अब तसल्ली होगी, देखो सारे काम करके जब मैंने पैसे रिसीव करके बेटा मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे पैसे मिल गए, लेकिन साथ ही मैं बैठ के सोचूंगा कि भाई ये मुझे एसेट का बेचना मुझे फायदे में रहा या नुकसान में। तो स्टेप नंबर फोर में भी हमने गेन लॉस कैलकुलेट किया करना है, स्टेप नंबर फोर में गेन लॉस कैलकुलेट किया करना है। समझ आई कि नहीं, समझ आ गई भाई, समझ आई सर, ये भाई, कहानी मुझे में ना लग और बैठे हैं फोर्थ जी, बताएं क्या कह रहे हैं। सर, मुझे फोर्थ स्टेप की समझ नहीं आई। अच्छा देखो, गेन और लॉस का मतलब क्या, वो गेन लॉस का मतलब ये है कि भाई जिस एसेट को आप बेच रहे हो, अब आप तसल्ली से अपने ऑफिस में बैठोगे और कहोगे कि भाई ये एसेट का बेचना मुझे नुकसान में रहा या फायदे में, उसकी कैलकुलेशन किया करनी है और उसकी एंट्री बनाया करनी है। तो चार स्टेप से मुराद है चार एंट्रियां पास करनी है डिस्पोजल के लिए, चार स्टेप से मुराद है कि चार एंट्रियां पास होंगी तो डिस्पोजल कंप्लीट होगी, याद रखना। सबसे पहले चीज को निकालना है और डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जिस चीज को बेचना है उसको पहले नॉर्मल एसेट अकाउंट से निकालो और उसको डिस्पोजल के अकाउंट में ले जाओ, नंबर वन। नंबर टू है कि उसकी अकोमोलेटेड डेफिसिट को निकाल के अकोमोलेटेड वाले अकाउंट से निकाल के उसको कहाँ ले जाओ, डिस्पोजल के अकाउंट में, नंबर टू। नंबर थ्री है कि जो बदले में मुझे पैसा मिला उस पैसे की वो पैसे को एंट्री कर दो, तो पैसा स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर फोर में तसल्ली से बैठ के कैलकुलेशन ये करो, कैलकुलेशन ऑफ, मैं कहता हूँ कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, कि भाई उस एसेट को बेचना मुझे फायदे में रहा या नुकसान, नुकसान, तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ दैट डिस्पोज एसेट।
अब बताएं मुझे, कहानी बैठ गई देन में? देखिए जी सर, समझ आ गया। कहानी बनानी है, सबसे पहले उस एसेट को कहना चलो निकलो यहाँ से, नॉर्मल अकाउंट से, नॉर्मल अकाउंट से निकाल दिया। फिर उसको कहना, वो कहेगा भाई मुझे अकमलेटर लेके आओ, तो फिर उसकी अकमलेटर में अकमलेटर वाले अकाउंट से निकाल के डिस्पोजल में ले जाऊंगा। तो अकमलेटर वाले डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के मैं कहाँ ले जाऊंगा, डिस्पोजल वाले, उसी उसी रूम में ले जाऊंगा जहाँ पे वो डिस्पोजल वाले अकाउंट, वो वाला एसेट बैठा हुआ है। फिर तीसरे में मैं कहूंगा यहाँ से भी छुट्टी और बदले में कैश रिसीव कर लूंगा, यहाँ से भी तुम्हारी छुट्टी और बदले में मैं पैसे ले लूंगा। और चौथी बात यह है कि तसल्ली से बैठ के मैं ये सोचूंगा कि कैश तो मैंने रिसीव कर लिया, बिल्कुल रिसीव कर लिया, क्या ये पैसे मुझे फायदे में रहे या नुकसान में, तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अब बंद मुझे बताएं, कोई और है आप में से जिसको समझ नहीं आई ये कहानी? भाई कोई और है? सर भाई अच्छा चले, इनकी आ गई है, चले चले पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि 8 ही लोग हैं, चले ताकि मुझे पता चल सके कि आप जो है आप लोगों को आवाज नहीं। जी अभी आ रही है जी, अभी आवाज आ गई जी, देखो आवाज आ गई। अच्छा अब इन इन सारे स्टेप्स के लिखने से क्या मतलब है? देखो इन सारे स्टेप्स का लिखने का मतलब ये है, इन सारे स्टेप्स का लिखने का मतलब ये है कि इनकी एंट्रियां बनानी है। एंट्रियां कैसे बनाऊंगा? एंट्री को ये याद करना है तो याद कर लो, रटना है तो रट लो, या कंसेप्ट समझ लो। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करूंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। मेरा डिस्पोजल का अकाउंट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसमें चीज चली जाएगी, उसमें चीज इंक्रीज हो जाएगी, वो मेरा हो जाएगा डेबिट, हमेशा क्या हो जाएगा डेबिट, और जो भी अमाउंट हो डेबिट और कॉस्ट अमाउंट के साथ, कॉस्ट अमाउंट, कॉस्ट जितने की वो कॉस्ट अमाउंट जितने की वो पड़ी हुई थी। अच्छा और फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं एसेट अकाउंट, जिस एसेट में नॉर्मल एसेट अकाउंट को क्या कर दूंगा, खत्म। अब देखो मेरा नॉर्मल एसेट अकाउंट कम हो रहा है, पहले ट्रांसफर में देखो मेरा नॉर्मल एसेट से चीज से कमरे से चीज निकल रही है, जब नॉर्मल वाले एसेट वाले कमरे से चीज निकल रही है तो वो क्या होगा, क्रेडिट, वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, और डिस्पोजल वहीं पे मेरा डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट अमाउंट, कॉस्ट अमाउंट मतलब कि जितनी एसेट एसेट के अकाउंट में जितनी चीज नजर आ रही है। भाई पहली एंट्री समझ आई? पहली एंट्री होगी भाई, पहली बात समझ आई या नहीं? नहीं आई। सर सबसे आगे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि एसेट को एसेट वाले अकाउंट से निकालो। एसेट का अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, क्या होता है क्रेडिट, ये रूल है, ये अकाउंटिंग का रूल है। आपने एसेट के अकाउंट को कम करना है, यानी चीज को एसेट वाले अकाउंट से निकालना है। मैंने ये चीज को एसेट के अकाउंट से निकाल दिया, जब मैं चीज को एसेट के अकाउंट से निकालूंगा तो एसेट का अकाउंट कम हुआ, जब भी एसेट कम होता है अकाउंटिंग का रूल है उसको क्रेडिट करो, तो अल्टीमेटली डिस्पोजल का अकाउंट मेरा है वो उसको वो हो रहा है इंक्रीज, और उसकी नेचर भी एसेट अकाउंट की तरह की है, तो जब वो इंक्रीज हुआ तो अकाउंटिंग का रूल कहता है जब भी कोई एसेट इंक्रीज हो तो आप उसको क्या करते हो, डेबिट, क्या करते हो डेबिट। वही मैंने कर दिया, समझ आई? जी सर आगे। सेकंड सेकंड जो स्टेप की एंट्री क्या बनेगी, मैं सिर्फ फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ, अब चीजें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। देखो फॉर्मेट लेके आया, देखो अब मुझे बताएं यहाँ पे, अब मैंने अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ पड़ी होगी, ट्रांसफर क्या करनी है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी पड़ी कहाँ पे होगी, अकमुलेटेड वाले अकाउंट में, ऐसे ही होगा ना ये, देखो कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी पड़ी कहाँ होती है, इस अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसमें नहीं पड़ी होती, इसी में पड़ी होती है जी ना सर भाई, यही जी वो, सर यही वो टी अकाउंट है ना जिसके अंदर अकमुलेटेड आ रही है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अकाउंट में से चीज निकाल के डिस्पोजल में लेके जानी है, इसके अकाउंट से चीज निकाल के मैंने डिस्पोजल में लेके जानी है। मैं वो गया, भागा भाग गया वहां पे। देखो मैंने कहा कि अकमुलेटेड अकाउंट मेरा क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसका डिसीजन बाद में लेंगे। जैसे अकमुलेट की नेचर पता क्या होती है, अकमुलेट की, अकमुलेट में से चीजें निकली है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है परवियन भाई, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है परवियन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये परवियन फॉर डेप्रिसिएशन है। अगर कोई नाम परवियन लिखा हो तो परेशान नहीं हो जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ नाम डिफरेंस हो सके, परवियन फॉर डेप्रिसिएशन जो होगी मेरी वो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। वो सर डेबिट क्यों होगा मैं अभी बता देता हूँ, और आपने क्या करना है, डिस्पोजल के अकाउंट को क्रेडिट कर देना। अल्टीमेटली दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, दूसरा अकाउंट क्या होता है, जब एक अकाउंट डेबिट हो तो दूसरा अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट क्रेडिट।
क्रेडिट कर देना। अब आता हूँ कि सर डिस्पोज अकोमोलेटर को डेबिट क्यों किया। देखो अकोमोलेटर की नेचर बिल्कुल नेचर एज लाइबिलिटी है, नेचर बिल्कुल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की तरह बिहेव करता है वो। नेचर नेचर है लाइबिलिटी नहीं, बिल्कुल नेचर एज एज मैं कह रहा हूँ एज लाइबिलिटी है। तो एज लाइबिलिटी सर आपको कैसे पता चला नेचर एज लाइबिलिटी, क्योंकि उसकी ओपनिंग बिल्कुल जिस तरह से लाइबिलिटी की ओपनिंग होती है उसी तरह की होती है। अच्छा नेचर एज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज हो यानी अकोमोलेटर मेरा डेपिशन कम हो जाएगी, मेरी उस एसेट की जो चीज वैल्यू पड़ी है अकोमोलेटर के अकाउंट से वहां से चीज निकलेगी, तो अकोमोलेटर डेपिशन मेरा कम हो रहा है इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज हो गया, लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी भाई। मेरा अकोमोलेटर डेपिशन क्या हो रहा है, अकाउंट डिक्रीज हो गया, यानी उसको मैंने चीज वहां से निकाल देनी अकोमोलेटर के। तो जब वो डिक्रीज हो तो बाय रूल ऑफ अकाउंटिंग लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो क्या होती है डेबिट, क्या होती है डेबिट डेबिट डेबिट। और उसका उलट, उसका उलट, उसका उलट अगर ये डेबिट हुआ तो लाजमी तौर पे मैं चीज डिस्पोजल में लेके जा रहा हूँ, और डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, क्या होगा क्रेडिट। ये आपको थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि भाई अगर एक चीज डेबिट हुई है तो अल्टीमेटली दूसरा अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, दूसरा अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, क्रेडिट। मैंने एक किनारा पकड़ लिया, मुझे ये पता लगाना था कि अकोमोलेटेड ने क्या होना है, अकोमोलेटेड डेफिसिट के अकाउंट ने होना है डेबिट, तो अल्टीमेटली डिस्पोजल का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। अच्छा ये ट्रांसफर मैंने किस तरह किया, इस एंट्री से कर देना। तीसरी चीज है कि बदले में मुझे पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने वाले, जब पैसे मिलने हैं कैश या बैंक, कैश के जरिए से पैसे मिले हैं या बैंक के जरिए से मिले हैं, या अभी मिलने वाले हों, कैश के जरिए से मिले हैं बैंक के जरिए से मिले हैं या अभी रिसीवेबल हो, तीनों सूरत हाल में, तीनों सूरतों में आपने क्या करना है, वो है आपके होते हैं एसेट, वो नेचर क्या होती है, इन तीनों की नेचर क्या होती है एसेट, नेचर एज एसेट। जब नेचर एक एसेट, नेचर अब पैसे आ रहे हैं भाई, पैसे बदले में रिसीव कर रहा हूँ तो पैसे आपके क्या हो रहे हैं इंक्रीज, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट, क्या होता है भाई क्या होता है डेबिट। और डेबिट अल्टीमेटली आपका डिस्पोजल का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्या है सारी बातें डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, तो सारी डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। समझ आई कि नहीं, आगे चलिए एक मिनट। अच्छा चौथे स्टेप में, चौथे स्टेप में आपने क्या करना है तो वो हम बात कर लेते हैं। देखिए ये हो गया तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप क्या कहता है, चौथे स्टेप में आपने गेन लॉस कैलकुलेट करना है। अब गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगी, याद रखिएगा गेन लॉस आपने कैलकुलेट कैसे क्या करना है, वर्किंग क्या करनी है आपने, वर्किंग कैसे करनी है, आप या तो, आप या तो दिस, अच्छा वो उस तरीके से चले जाओ या इस तरीके से, मैं आपको कहता हूँ। अच्छा इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, इसकी वर्किंग है फॉर्मूला, इसका वर्किंग जो है फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, वो फॉर्मूला गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए होता है सेल प्रोसीड फॉर्मूला, याद करें सेल प्रोसीड से मुराद है कि जो पैसे मिलने हैं वो माइनस कर दो बुक वैल्यू, माइनस कर दो क्या नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू या बुक वैल्यू नाम एक ही बात एक ही है, बुक वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा गेन या लॉस, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू अगर वो वैल्यू पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव तो आपका गेन, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई तो गेन, और अगर वो नेगेटिव, इफ नेगेटिव तो वो वैल्यू क्या होगी आपका लॉस, क्या होगी लॉस। मैंने एक बात लिखी है यहाँ पे, बड़े ध्यान से सोचना कि भाई गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है भाई, ये वाला फॉर्मूला है, और इसको मैं बल्कि चले ठीक है। देखो सेल प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू, माइनस नेट बुक वैल्यू, तो आपके पास क्या निकल आएगी वैल्यू आ जाएगी, जब सेल प्रोसीड में आता है सेल अमाउंट, सोल्ड अमाउंट, सोल्ड अमाउंट माइनस सोल्ड, सेल प्रोसीड का मतलब है सोल्ड अमाउंट, सेल प्रोसीड का मतलब है सोल्ड अमाउंट, सेल अमाउंट जो है जिस पे आपने बेचा है, इस चीज को बेचा है, माइनस कर दो नेट बुक वैल्यू से, तो आपकी क्या निकलेगी कोई वैल्यू, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आए तो गेन, अगर वो नेगेटिव आए तो वो लॉस। अच्छा नेट बुक वैल्यू अगर गिवन ना हो, इफ नेट बुक वैल्यू इज नॉट गिवन, मैं फिर आपको ये फर्दर बताता हूँ, इफ नेट बुक वैल्यू नॉट गिवन तो आपको बार बार, मैंने आप लोगों को चार्ट के अंदर भी बताया था कि बुक वैल्यू की कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस गिवन, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, तब फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन हो जानी है, तब फॉर्मूला आपका बनेगा, आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी नेट वैल्यू, नेट बुक वैल्यू,
नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो वो कर लोगे कैलकुलेट, और वो करने के बाद आपको फिर क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू अगर वो गेन हो तो, अगर पॉजिटिव हो तो गेन, अगर नेगेटिव है तो लॉस। यहाँ पे बताइए अगर किसी को समझ नहीं आई तो। ठीक है, अगर 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 नहीं हो, अगर नेट बुक वैल्यू नेट गिवन, तो पूरा फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, आपका फिर गेन लॉस का फॉर्मूला, गेन लॉस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो गेन लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल प्रोसीड, और नेट वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, नेट बुक वैल्यू को अलग से कैलकुलेट कर लो या यहीं पे लिख लो, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात एक ही है, अलग से लेके आओ या वैसे यहाँ पे फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लो। मैंने अब क्या किया, नेट बुक वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है भाई? भाई ठीक है। जी और सर, अगर ये जी वैल्यू, सर, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए तो गेन, अगर ये लॉस आए तो, अगर नेगेटिव आए तो लॉस, अगर गेन आया तो एंट्री क्या होगी? अगर इफ गेन तो एंट्री क्या होगी? अगर गेन आया तो एंट्री स्टेप नंबर फोर की क्या होगी? और अगर लॉस आया तो स्टेप नंबर फोर की एंट्री क्या होगी? अगर लॉस आया तो एंट्री क्या होनी चाहिए? तो एंट्री मैं बता देता हूँ, अगर एंट्री याद करनी है तो कर लो, वरना मैं कहता हूँ कि आपको जो डिस्पोजल का टी अकाउंट मैं बना के देता हूँ वो याद कर लो, बजाय एंट्री। अगर एंट्री आपसे पूछ सकते हैं, एक्चुअली वो आपसे कोई स्टेप की एंट्री पूछे तो आपको पता होना चाहिए, गेन लॉस लॉस में ही कैलकुलेट करवाएगा एमसीक्यू के अंदर। ये हर बहुत दफा कैलकुलेशन आई है, ये गेन लॉस यही फॉर्मूला याद रखो, यही यही बातें नजर आएंगी। अगर नेट बुक वैल्यू लिखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा तो आप नेट बुक वैल्यू की जगह क्या कंसिडर कर लो? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड, और उसका जो आंसर है उसको माइनस करो सेल प्रोसीड के साथ। और दूसरी बात, बड़ी अहम बात है कि सेल प्रोसीड हमेशा फॉर्मूले में पहला लिखना है, पहले पहले साइड पे उसको पॉजिटिव लिखना है आपने, और जो नेट बुक वैल्यू उसको नेगेटिव में लिखना है आपने, यानी कि आपको सबसे पहले फॉर्मूले में सेल प्रोसीड लिखनी है, लाजमी सी बात है सेल प्रोसीड लिखनी है, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है भाई। आप गेन लॉस की एंट्री ना करो, एंट्री पे भूल जाओगे। इफ गेन, तो मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, चीज तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर गेन मुझे एंट्री मैंने नहीं बतानी, एंट्री नहीं बतानी, इफ गेन तो आपने लिखना कहाँ पे? मैं ये बता देता हूँ डिस्पोजल में, इफ गेन, अब देन राइट इट, देन राइट इट ऑन डेबिट साइड ऑफ, ऑन डेबिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, एक बात, और अगर अगर लॉस आया तो उसको आपने, उसको आपने लिखना कैसे? मैं सिर्फ वही बताऊंगा, एंट्री मैं नहीं बता रहा, एंट्री से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपने बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लिखना कहाँ पे। देन राइट इट ऑन, देन राइट इट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, राइट इट ऑन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट, ओहो, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, सर, ये समझ आई जी सर, जब इसने जी? गेन किया सर, ये डेबिट कैसे होगा? क्रेडिट नहीं बनेगा? अब रुक जाएं, ये मैं डेबिट की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्पोजल के अकाउंट को कह रहा हूं डेबिट करो, मैं गेन को नहीं कह रहा कि क्रेडिट डेबिट करो, मैं कह रहा हूं डिस्पोजल के अकाउंट को डेबिट करो। अल्टीमेटली गेन मेरा क्रेडिट ही हुआ है, लेकिन डिस्पोजल का अकाउंट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? देखो, अल्टीमेटली गेन के अंदर डिस्पोजल अकाउंट में गेन मेरा क्रेडिट ही हुआ। एंट्री आपको मैं इसलिए कह रहा था, एंट्री आप ना करो, एंट्री मैं बताता हूँ आपकी एंट्री क्या होती। देखें, ये एंट्री ये बनती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एंट्री ये होती है, एंट्री ये होती, क्योंकि अब आपको, आपने पूछ लिया तो डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट होता, और आपका गेन, गेन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होता? क्रेडिट। क्या होता? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का मतलब ये है गेन, इनकम, इनकम, इनकम कमाई है, तो इनकम जब इंक्रीज होती है, इनकम जब इंक्रीज हुई, आपने गेन कमाया मतलब इनकम कमाई, इनकम जब इंक्रीज हुई तो क्या हुई? इनकम इंक्रीज होती तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट बन जाती है। होती है। इसलिए मैंने कहा, तो एंट्री आप ना बनाना सीखो बेशक, लेकिन एंट्री का फैक्ट आपने पोस्ट कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्रेडिट में, लेकिन डिस्पोजल के अकाउंट में किधर? डेबिट साइड पे, डिस्पोजल में डेबिट साइड पे। और वहीं पे अगर लॉस होता तो लॉस में आप क्या करते?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप यहाँ को थोड़ा सा चेंज चेंज हो जाता, आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते और डिस्पोजल के अकाउंट को क्रेडिट करते, फिर ये होता काम। यहाँ पे मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से मुराद है कि इनकम इनकम नहीं है बल्कि एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस हो गया खर्चा हो गया, लॉस से मुराद है खर्चा हो गया, जब लॉस हुआ तो खर्चा और जब खर्चा हुआ तो एक्सपेंस, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्या होता है भाई, डेबिट। सही है, ठीक है। जी तो सर एक्चुअली ये एंट्री हुई थी, तो जो आपने क्वेश्चन, मैंने इसलिए कहा था एंट्री याद ना करो, आप एंट्री याद ना करो, आप ये कहो एक सिंपल कि अगर जब गेन आया तो मैंने देखो मैंने बनाना है सर, मैं डिस्पोजल की ही बातें करूंगा, मैंने सिर्फ एक अकाउंट बनाना है डिस्पोजल वाला, तो डिस्पोजल की रेलिवेंट जो चीजें वो रखो, प्रॉफिट एंड लॉस के मुझे बनाने की लिखने की जरूरत नहीं, एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अकाउंट तो मैं बनाना नहीं अभी मैंने, तो अभी आपने सिर्फ ये बातें सीखनी है, और आज आपने मैंने डिस्पोजल की आप बता दी। ये क्या सर इतना लंबा टॉपिक, मतलब एक डिस्पोजल बेचना ना हो गया मेरे मेरे यानी कि मेरे लिए मुसीबत बन गई, क्या मैं चार स्टेप इतने बड़े बड़े फॉलो करूंगा, आपके जहन में क्वेश्चन नहीं आता कि सर इतने चार स्टेप में चार एंट्रियां ऊपर से गेन लॉस कैलकुलेट करना, क्या ये सारा काम करूंगा, तो इसका शॉर्ट मेथड, इसका शॉर्ट मेथड वन 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 एंट्री, शॉर्ट मेथड कंबाइन एंट्री, शॉर्ट मेथड है कि आप कंबाइन एंट्री कर लो, शॉर्ट मेथड क्या है वो, कंबाइन एंट्री, कंबाइन मेथड है, शॉर्ट मेथड है कंबाइन एंट्री इफ लॉस, मैं कहता हूँ कंबाइन एंट्री इफ लॉस, कंबाइन एंट्री इफ लॉस के, अगर लॉस क्या है तो आपको पता है कि लॉस आना है, तो आपने कंबाइन एंट्री क्या बनेगी, नंबर वन, और फिर मैं वही एंट्री बनाऊंगा कि शॉर्ट मेथड, और मैं बता देता हूँ कि कंबाइन एंट्री इफ गेन, अगर गेन आता है तो कंबाइन एंट्री कैसे होगी, ये देखिए ठीक है, ये एक चीज मैंने, देखो ये सारी चीजें एक साइड पे, मैंने जल्दी से रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लें, मैंने इसमें क्या करना है, मैं सिंपल बिल्कुल सिंपल कि मैंने यहाँ पे मैं एक्युमुलेटेड एक्युमुलेटेड लिखना, पहले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन याद कर लें, रट्टा लगाना तो रट्टा लगा लें, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भाई मैं नाम बार बार इसलिए लेता हूँ कि आपके कंफर्मेशन आपको हो जाए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर आपका दूसरा अकाउंट हिट होगा कैश अकाउंट, और तीसरा अकाउंट आपका हिट होगा एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट, ये तीन तो हिट होंगे होंगे। अच्छा जब ये हिट होंगे तो ये कहाँ कहाँ पे जाएंगे ये देख लेते हैं आप, ये हम देख लेते हैं ठीक है, एसेट अकाउंट, और बल्कि इसको यहीं पे लिख लेते हैं, और इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। अच्छा और अगर अगर मैंने क्या लॉस आता तो लॉस आएगा तो इस साइड पे आएगा, लॉस आएगा तो इस साइड पे आएगा, लॉस आएगा तो इस साइड पे आएगा, और मैंने, और ये बैलेंसिंग फिगर होगी, लॉस की क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर का मतलब यह है कि डेबिट और क्रेडिट की इफेक्ट मैं गेन लॉस नहीं कैलकुलेट करूंगा मैं, बल्कि इन डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट लूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, और लॉस मैं डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करना है ये डेबिट, और ये भी मेरा डेबिट, और ये भी मेरा डेबिट, और ये मेरा एसेट अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट। और आपने जब ये एंट्री पास कर देनी है, जब लॉस, जब एक शॉर्ट मेथड है कि जब कभी आपको ये याद नहीं करना तो आप ना करो, आपने सिंपल ये करना है कि ये एंट्री पास कर देनी डिस्पोजल के अंदर, डिस्पोजल के अंदर। अब जब एंट्री पोस्ट, जब आप जब व्हेन यू पोस्ट दिस इन इन दिस इन डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट अकाउंट, तो देन यू ऐड दिस अमाउंट, देन यू ऐड दिस अमाउंट जो एक्युमुलेटेड किया है ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड, मतलब कि आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हुआ डेबिट, आपको पता है कि आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, वो ऊपर देखो एंट्री के स्टेप नंबर टू में एक्युमुलेटेड डेबिट नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था भाई, यहाँ पे हो रहा था स्टेप नंबर टू में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था ना, जी सर हाँ लेकिन अब अगर उस एंट्री को मैं डिस्पोजल में लेके जाऊं तो डिस्पोजल में मुझे क्या करना है, क्रेडिट, क्या करना है क्रेडिट डिस्पोजल में, मुझे क्या करना है क्रेडिट क्रेडिट ही करना है भाई, तो आप मैं आपका तो कंबाइन एंट्री ये याद कर लो, लेकिन इस अमाउंट को अब अकमोलेटली चूंकि यहाँ पे डेबिट हो गया, लेकिन जब अपने टी अकाउंट डिस्पोजल का बनाना है तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखनी है,
मेन क्रेडिट साइड किधर? ठीक क्रेडिट साइड। है, और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो मेरा डेबिट हुआ, लेकिन डिस्पोजल में किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। डिस्पोजल में किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। किधर जाएगा भाई? और क्रेडिट साइड लॉस तो पे। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा डेबिट हुआ। देखो लॉस के केस में मैंने लिखा नहीं है प्रॉफिट और लॉस डेबिट, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा है ना मैंने, जी सर। तो लॉस तो मेरा डेबिट हुआ, लेकिन जब मैं इसको डिस्पोजल में लिखूंगा तो ऑपोजिट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे। किधर? इधर, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। और यहीं पे एसेट अकाउंट तो मेरा क्रेडिट हुआ। स्टेप नंबर वन में देखो जाके, आपका एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, लेकिन आपका डिस्पोजल क्या होना है? डेबिट। डिस्पोजल डेबिट क्या होना है? डेबिट। डेबिट। तो जब आप लिखोगे डिस्पोजल के अकाउंट में इसको लिखोगे, तो ये आप डेबिट साइड पे लिखोगे। इधर लिखोगे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लिखोगे। अच्छा, और यही अगर गेन आता तो क्या होता? गेन आता तो आप क्या करते? तो गेन आता तो आप यही कुछ करते, सारा कुछ करते, यही कुछ करते। और आप बेशक लॉस को कैलकुलेट कर लो, सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड से कर लो, सेल प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू दी है तो ठीक, वैल्यू नहीं दी तो आपके पास, और मैं कहता हूँ नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू आई है तो आपको पता चल गया, जब भी नेगेटिव वैल्यू तो क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस। लॉस होता है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे गेन, गेन कहाँ पे? डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में लिखना है, ये हमने फैसला करना है। जब गेन आया है तो आपने एंट्री डेबिट यही साइड पे। चेंज करनी है, सिर्फ लॉस की प्लेसमेंट गलत, क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। लॉस यहाँ पे कदर आ रहा है, डेबिट में, एंट्री में कहाँ आ रहा है? डेबिट डेबिट में में। आ रहा है। तो अब यहाँ पे गेन आएगा क्रेडिट में, गेन कहाँ आएगा? क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो लॉस अगर डेबिट में आया तो गेन किधर आया? क्रेडिट में। क्रेडिट। और यहाँ पे आपका ये चेंज, ये एंट्री चेंज हो जाएगी। शॉर्ट मेथड कि आपको चारों स्टेप्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। और इसकी सेल प्रोसीड, इसकी मुझे गेन कैसे मिला होगा? गेन मुझे मिला होगा ऐसे कि भाई ये देखो, गेन मुझे मिला होगा कि सेल प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आई होगी? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव और वैल्यू। जब पॉजिटिव वैल्यू करे, और फिर आपने जब, लेकिन डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर ये तो देखो, यहाँ कहीं भी नाम डिस्पोजल का नहीं लिखा, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरी चीज जानी है डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर। अगर मेरा कमोलेटिव डेबिट हुआ तो डिस्पोजल में कहाँ आएगा? डिस्पोजल में क्या है, कहाँ आएगा? अगर मेरा कमोलेटिव डेपोजिशन अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है यहाँ पे, तो डेबिट डिस्पोजल साइड अकाउंट पे। क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्पोजल का अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट मैं लिख देता हूँ क्रेडिट। डिस्पोजल के अकाउंट में क्या आएगी? क्रेडिट। और ये भी डिस्पोजल के अकाउंट की क्रेडिट, लेकिन यार ये चीज कहाँ आएगी? डेबिट में। ये चीज कहाँ आएगी? डेबिट और डेबिट। सही है भाई? ठीक है। जी सर। बाकी लोग जो हैं, भाई बाकी लोग जी सर आ गई समझ। सिंपल है कि मैंने ये जहाँ, असल में सर मैंने, आपने किया क्या ये चीजें, क्यों की हैं आपने? शॉर्ट मेथड में क्या किया है? मैंने शॉर्ट मेथड में पता क्या किया, ये जितने भी स्टेप्स थे ना इनके डिस्पोजल उड़ा दिए हैं, जितने भी स्टेप्स थे उनके, भाई जितने डिस्पोजल भी ये खुद स्टेप कर थे ना, दिए। और जो जो चीजें वहां पे डेबिट क्रेडिट में बाकी चीजें आ रही थी वही दिखा दी है बस मैंने शॉर्ट मेथड में, मैंने ये किया है। और मुझे एक चीज मैंने जेन नशीन कर लिया है कि भाई डिस्पोजल के अकाउंट में अगर अकोमोडेटिव डेबिट हुआ तो डिस्पोजल में क्रेडिट में, डिस्पोजल में क्रेडिट में। और यही चीज यहाँ पे आएगी क्रेडिट, और ये क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आई? तो इफ लॉस और इफ गेन मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट मेथड कंबाइन एंट्री इफ लॉस, और शॉर्ट मेथड कंबाइन एंट्री इफ गेन है। तो गेन कैसे कैलकुलेट करना है, लॉस कैसे लिए? तो व्हेन यू पोस्ट दिस क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड में आनी है। दो बातें यहाँ पे डेबिट साइड। ठीक है, ठीक है, समझ आ जी गई? सर। जी सर। आप अब मैं इस पूरे ये जो एंट्री है ना, इस पूरे की मैं आपको टी अकाउंट में पोस्टिंग करके दिखाता हूँ। आज मैंने आपको करवाना क्या है, डिस्पोजल का। आपको देखो डिस्पोजल की पूरी समरी बताई कि हमने चार स्टेप में डिस्पोजल करनी होती है। सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर करना होता है डिस्पोजल के अकाउंट में, फिर उसकी अकमलेट डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होता है डिस्पोजल के अकाउंट में, फिर उसके बदले में मैंने कैश रिसीव करना है,
और डिस्पोजल के अकाउंट से छुट्टी करा देनी एसेट की। जाओ भाई एसेट तुम डिस्पोजल के अकाउंट से भी फारग, तो वो जो पहले मेरा डिस्पोजल डेबिट हुआ अब मेरा डिस्पोजल हो जाएगा क्रेडिट, और बदले में मैंने कैश रिसीव कर लिया। फिर मैंने गेन लॉस की कैलकुलेशन करनी है। गेन लॉस कैसे करेंगे कि सेल प्रोसीड माइनस नेट बुक वैल्यू, अगर नेट बुक वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे फॉर्मूला नेट बुक वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर दो, कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वहां से वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो गेन, अगर नेगेटिव आए तो लॉस। गेन को कैसे एंट्री होती है ये लिख ली, और लॉस की कैसे होती है एंट्री ये लिख ली। एंट्री आप याद ना करो, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्पोजल के अकाउंट में गेन किस साइड पे लिखना है, और एंट्री आप ना याद रखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने डिस्पोजल के अकाउंट में लॉस कहाँ लिखना है। और फिर मैंने कहा अगर आप चार स्टेप में चीजें नहीं याद करनी तो ना करो, तो सिंपल एक चीज आपने याद करनी है कि ये एंट्री याद कर लो, और इनको डिस्पोज लिखते वक्त, लेकिन डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर लिखते वक्त आपने क्या करना है, क्रेडिट, क्या करना है क्रेडिट, डेबिट वाली चीजों को क्रेडिट। क्रेडिट, डेबिट वाली चीजों को क्रेडिट, और क्रेडिट वाली चीजों को डेबिट डिस्पोजल में। अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ, डिस्पोजल का टी अकाउंट बना देता हूँ, और हमारा आज का मैं करते हैं, कल क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगर हमें आज हमने थ्योरी हमने सारी पढ़ ली इसकी, जो जो इसकी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने पढ़ ली। अब मैंने आपको सिंपल क्या कराना है, डिस्पोजल की अकाउंट की, भाई ये क्या हो रहा है, अकाउंट की मैं ये सिर्फ हालत लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने क्या बना रहा हूँ। तो ये मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, और इसके अंदर ये सारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, और ये सारी चीजें खत्म। ये मैं इसका नाम रखता हूँ डिस्पोजल अकाउंट, क्या नाम रखता हूँ, डिस्पोजल क्या नाम अकाउंट, रखेंगे, डिस्पोजल डिस्पोजल अकाउंट। अकाउंट। और इसमें चीजें यही, इसमें चीजें मैं सिर्फ इस एंट्री को देखते हुए पास कर देता हूँ, डिस्पोजल के अकाउंट के अंदर एंट्री को देखते हुए पास करता हूँ। ये एंट्री मेरी है यहाँ देखो, अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो डिस्पोजल के एंट्री में मुझे बताओ, पहली वाली एंट्री मैं एंट्री ये वाली पास कर रहा हूँ, गेन इफ लॉस वाली, कंबाइन मेथड इफ लॉस, तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो लेकिन डिस्पोजल में क्या करना है, क्रेडिट साइड पे किधर लिखना है, क्रेडिट साइड पे अकाउंट यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अकुमुलेटेड, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्युमुलेटेड। अकुमुलेटेड, उलट उलट नाम लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पोस्ट कैसे करते हैं अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फिर कैश अकाउंट मेरा डेबिट हुआ तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, कहाँ आएगा क्रेडिट क्रेडिट में में, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और मैंने इन्फॉर्मेशन देखो, मैंने कहा था कि कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, लेकिन डिस्पोजल में क्या होगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे, किधर लिखेंगे, क्रेडिट क्रेडिट साइड पे साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा अब मैं कैन यू पोस्ट दिस इन डिस्पोजल अकाउंट लॉस, तो देन यू ऐड दिस ऑन अपोजिट साइड, मीन अगर ये लॉस मेरा डेबिट तो डिस्पोजल में क्या होगा, क्रेडिट, डिस्पोजल में क्या होगा, क्रेडिट। और यहाँ पे लिख देंगे लॉस, हम लिख देंगे सिंपल लॉस, ठीक है। और अगर आपका, और फिर एक चीज रहेगी एसेट, एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट, एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट लेकिन डिस्पोजल में कहाँ, डिस्पोजल में कहाँ, डेबिट में, डिस्पोजल में कहाँ, डेबिट में डेबिट, डेबिट, यहाँ पे एसेट क्या अकाउंट है, ये आप एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीख गए हो। अब अगर अगर लॉस ना आता गेन आता तो सारी बातें सही यही होती, सारी बातें यही होती, सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ गेन लॉस वो चेंज हो जाता, सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ गेन। अब लॉस की बजाय मुझे यही इसी जगह पे क्या दिखाना, गेन, और गेन जब दिखाऊंगा तो इस साइड पे, अगर आप देखो तो इन्फॉर्मेशन सारी वही आई है, लेकिन गेन आपको यहाँ दिखाना पड़ गया, ठीक है, सही है। बाकी चीजें वही, ये अकुमुलेट यानी डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में आना, क्रेडिट पे लिख दिया, कैश आपका डेबिट मतलब यहाँ पे डिस्पोजल में क्रेडिट, क्रेडिट में लिख दिया, एसेट आपका क्रेडिट मतलब आपका डिस्पोजल में डेबिट सर्वे लिख दिया, सिर्फ गेन आया और गेन क्रेडिट में मतलब लिखना आपने यहाँ पे, सही है, ठीक है। तो ये आपने आपने पढ़ लिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अभी मैं आज के लिए यहीं पे रोक देता हूँ, क्वेश्चन हम इसका कल कर लेंगे, काफी टाइम होगा, 2 घंटे हो गए, ठीक है, जी। सही है। तो काफी टाइम लगा लिया, अब हम आपने चीजें बड़ी सीखी आज, आज के दिन में आपने बहुत ज्यादा चीजें सीख ली हैं, हमने पूरा क्वेश्चन किया है उसकी, हमने कैलकुलेशन स्टेप्स वाइज एंट्रीज बनाई हैं, पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है, एंट्रीज बनाई, एंट्रीज बनाने के बाद टी अकाउंट बनाया, टी अकाउंट में एंट्रीज को पोस्ट किया, फिर अकाउंट को क्लोज किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्पोजल की चीजें बताई कि डिस्पोजल के अंदर 4 स्टेप में बातें होती हैं कैलकुलेट, और फिर उसकी मैंने शॉर्ट चीज बता दी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बताएं समझ आई है या नहीं आई, आप मुझे ये बता देंगे बस, जी सर आगे। अभी 2 घंटों में बाकी जाते जाते सिर्फ 7 बंदे बचे हैं,
साथ में भी दो मैं हूँ तो पांच लोग बचे, चलें कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी यूज़ कर लिया। तो अब हमारा हमारी डेपोजिशन का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस उसके दो क्वेश्चन करने हैं। कितने हैं? दो क्वेश्चन दो डिस्पोजल के, डिस्पोजल की दो चीज़ें रह गई, और एक थ्योरी का पार्ट है छोटा सा, एक्सचेंज ऑफ एसेट, यानी मैं डिस्पोजल तो करूं लेकिन बदले में मैं क्या करूं, पैसे लेने की बजाय चीज की, चीज के पैसे लेने की बजाय नया एसेट ले लूं। क्या कहना चाह रहा है कि आप चीज तो बेचो, अगले बंदे से पैसे लेने की बजाय उससे क्या ले लो, एसेट ले लो। क्या ले लो? ऐसा एसेट ले ले लो लो। कोई। तो वो हम कल कल लिखेंगे, डिस्पोजल थ्री, डेप्रिसिएशन थ्री टॉपिक, ठीक है? डेप्रिसिएशन थ्री पार्ट थ्री, ठीक है? तो ये है, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और फिर अब जा सकते हैं हम लोग। तो इसको चलें फिर जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, काफी टाइम हो गया। चलें जी, जजाकल्लाह। चला।